ठीक है, चलो पहले तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, दैट नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर दैट इज एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स चैप्टर को चलो स्टार्ट किया जाए। काफी दिनों बाद, हाँ, क्वेश्चन टैग भी बचा हुआ है, क्वेश्चन टैग भी बचा हुआ है, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब हो जाएगा। अब तो हम लोग अपना नॉर्मल रूटीन शुरू करने वाले, ठीक है। चलो, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? अगर आपसे कोई पूछे कि एडजेक्टिव क्या होता है, इन हिंदी एडजेक्टिव इज विशेषण, विशेषता बताने वाले वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। What are adjectives? Adjectives are describing words. ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो एडजेक्टिव्स विशेषण है, और विशेषण मतलब विशेषता बताता है। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ठीक है, वॉइस ठीक है, बीच बीच में ऐसे टोकोगे ना कि मैम वॉइस 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 सब ठीक ठाक है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स है। ठीक है, हाँ, अब आपके थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, बेसिक चलते हैं। द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन, ये एक सेंटेंस है, इसमें एडजेक्टिव कौन है? ये जो लायन है, लायन क्या है? लायन नाउन है। कैसा लायन? लायन नाउन है। कैसा लायन? ब्रेव। तो नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स। उसी तरह फॉक्स क्या है? फॉक्स इज नाउन। कैसा फॉक्स? क्लेवर, चालाक। तो ये क्लेवर एडजेक्टिव हो गया। सोलोमन वॉज अ वाइज किंग, किंग क्या है? नाउन। कैसा किंग? बहुत समझदार, वाइज एडजेक्टिव हो गया। द ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे, अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं, तो सॉर इज एन एडजेक्टिव। ये तो पहले बेसिक करवा देती हूँ, ठीक है, किसी भी चैप्टर का पहले बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग कैसे कैसे एरर्स आते हैं फिर वो करने वाले। ओके, नेक्स्ट, शी रोट अ, शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ड्रेस क्या है? नाउन। ड्रेस क्या है? नाउन। कैसा ड्रेस? ब्यूटिफुल, सो दिस इज एन एडजेक्टिव। द वेदर इज प्लेजेंट, वेदर क्या है? नाउन। वेदर कैसा है? प्लेजेंट है। तो ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। तो अभी तक आपने क्या देखा, एडजेक्टिव्स किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अगर मैंने सिंपली लिखा ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है किसकी विशेषता बता रहा है? ही की। ही क्या है? प्रोनाउन। मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स है। ये तो आपको पहले से भी पता है, ठीक है, ये तो आपको पहले से भी पता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, हाँ, चलो, अब वो एरर कहाँ से आता है? ठीक है, एरर कहाँ से आएगा? अभी तक तो आपने बेसिक पढ़ा कि एडजेक्टिव्स होता क्या है, अब इससे एरर्स कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव के पोजिशन से एरर्स आता है। ओके, अलग अलग देखो, एडजेक्टिव का एक तो एडजेक्टिव के पोजीशन से एरर आता है, एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है या नाउन के बाद यूज होता है। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, ज़्यादातर एडजेक्टिव्स नाउन के पहले भी यूज हो सकते हैं, नाउन के बाद भी यूज़ हो सकते हैं, बट कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं ना जो जब भी यूज होता है नाउन या प्रोनाउन के बाद ही, वहां से एरर आता है। दूसरा एरर कहाँ से आता है? एडजेक्टिव के डिग्रीज से। ये एडजेक्टिव का तीन डिग्रीज होते हैं, और तीसरा एडजेक्टिव का मिसलेनियस वाला एरर आता है। ठीक है, मिसलेनियस वाला, तो एडजेक्टिव चैप्टर अगर आप पढ़ते हो ना तो इसके तीन जगह से एरर्स आते हैं। एक तो एडजेक्टिव का पोजीशन से आता है, एक डिग्री से आता है, और एक मिसलेनियस से। तो हम बारी बारी से करेंगे, पहले हम पोजीशन वाला एरर कर लेते हैं कि एडजेक्टिव के पोजीशन से क्या एरर आता है। अगर कोई आपसे पूछे कि एडजेक्टिव का पोजीशन जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है या बाद में होता है, तो एडजेक्टिव का पोजीशन नाउन या प्रोनाउन से पहले भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद भी हो सकता है। मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा राम इज, या ऐसा लिखा मैंने लिखा द बॉय इज गुड, और फिर मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे बॉय क्या है? बॉय यहाँ पे नाउन है। कैसा बॉय? गुड। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन। कैसा बॉय? गुड। तो यहाँ का गुड भी एडजेक्टिव, यहाँ का गुड भी एडजेक्टिव है, बट दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है कि यहाँ का जो एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ का जो एडजेक्टिव है ना ये नाउन के बाद आ रहा है, और यहाँ का एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है। ठीक है, नाउन से पहले आ रहा है, इसी को हम एडजेक्टिव के पोजिशन का एरर बोलते हैं। अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के यूज से एरर्स आता है, कैसे आता है बता रही हूँ मैं।
एक होता है एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज और एक होता है एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज. प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, इसको लिखते जाइएगा. अब आप मुझे बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एडजेक्टिव का क्या होता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है. जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाए, बिफोर अ नाउन, तो बिफोर अ नाउन आ रहा है. देखो यहाँ पे बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आ रहा है, तो ये कौन सा यूज है एडजेक्टिव का? एट्रीब्यूटिव यूज. जब नाउन के बाद आ रहा है तो उसको प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं, आफ्टर अ नाउन. इसको लिखिए तब समझ में आए. इसको करना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में एरर आएगा. हाँ हाँ, अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं ना, आप स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो. नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव और नाउन के बाद प्रेडिकेटिव. अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी ना तो क्लियर हो जाएगा. वर्ब के बाद आ नहीं रहा एडजेक्टिव. ये देखो वर्ब के बाद तो आ ही रहा है, वर्ब के बाद आ ही रहा है, वर्ब के बाद ही आ रहा है. लिख लिया है सबने? ओके, नोटेड नोटेड. हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है. देखो एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज से एरर्स आता है. एट्रीब्यूटिव यूज किसको बोलते हैं? व्हेन एडजेक्टिव इज यूज बिफोर अ नाउन. जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया उसको एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, और जब नाउन के बाद आया उसको प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं. ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, आप मुझे बताना कि जो एडजेक्टिव यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है ग्रीन, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ग्रीन एडजेक्टिव है. द स्ट्रेच ऑफ द वॉटर इज डेंजरस, यहाँ पे डेंजरस एडजेक्टिव, और यहाँ पे एफिशियंट एडजेक्टिव है. अब मुझे बताओ कि ये एडजेक्टिव का कौन सा यूज है, पहले वाले में एडजेक्टिव का कौन सा यूज है? कौन सा यूज है, कौन सा, एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव यूज? यहाँ नाउन से पहले आया है ना, नाउन से पहले आया. अगर अगर हमारा जो एडजेक्टिव है नाउन से पहले आया है, इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन है यहाँ पे एट्रीब्यूटिव यूज में है, एट्रीब्यूटिव यूज में. लेकिन यहाँ द स्ट्रेच ऑफ वॉटर, यहाँ नाउन के बाद आया है, इसका मतलब है कि ये प्रेडिकेटिव यूज है, प्रेडिकेटिव यूज है. यहाँ नाउन, ऑफिसर नाउन है, नाउन से पहले आया है तो ये एट्रीब्यूटिव है. ये क्यों बढ़ा रही हूँ, इससे एरर्स बहुत बार आया एग्जाम. अब अगेन देखो यहाँ पे मिल्क नाउन है, और जो भी एडजेक्टिव नाउन के बाद आया है वो कौन सा यूज है? प्रेडिकेटिव यूज है. ठीक है, और यहाँ यहाँ जो ये प्रोनाउन है ये भी प्रोनाउन के बाद आया है, इसका मतलब है ये प्रेडिकेटिव यूज. नाउन या प्रोनाउन के बाद आ रहा है, प्रेडिकेटिव यूज है. नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा है, एट्रीब्यूटिव यूज है. ये मैंने क्यों आपको बताया, अभी चलते हैं. स्लोली एडवर्ब है, प्रेडिकेटिव यूज है. हाँ देखो जो मैक्सिमम एडजेक्टिव्स होते हैं ना, मैक्सिमम एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका जिसका एट्रीब्यूटिव यूज भी हो सकता है और प्रेडिकेटिव यूज भी हो सकता है. तो यहाँ से तो एरर आएगा नहीं, क्योंकि 80% एडजेक्टिव्स ऐसे यूज होते हैं, ऐसे होते हैं जिसका एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है, प्रेडिकेटिव यूज भी होता है, दोनों यूज होता है. लेकिन कुछ 20% एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज होता है, और यहीं से एरर आता है. ठीक है, यहीं से एरर आता है, उसी को हम डील करेंगे. देखेंगे कौन सा 20% एडजेक्टिव्स है जिसका एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होगा, हमेशा यूज होगा प्रेडिकेटिव ही होगा, प्रेडिकेटिव ही यूज होगा. ठीक है, चलो अब उसी को हम करते हैं. अब आ जाओ कुछ लिख लेते हैं. अब ये वाला लिखो, ये वाला एकदम रट लेना है. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, मैक्सिमम एडजेक्टिव तो नाउन के पहले भी यूज हो सकता है, नाउन के बाद भी यूज हो सकता है, बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाउन के बाद ही यूज होता है, मतलब उसका प्रेडिकेटिव यूज ही होता है. जैसे ये देखो, अफ्रेड, अलोन, लिखते जाइए जिसमें जिसमें आपका अलाइव आया है, अलाइव आया है, असलीप, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. अलाइक, अशेम्ड, अवेयर, अफ्लोट, ईगर, फॉन्ड, ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं ना जिसका हमेशा और हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है, हमेशा और हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है. इसको लिखिए असलीप. ये वाला ना सीपीओ में आया था, अभी मैं बताती हूँ कैसे आया. ये सीपीओ एग्जाम में आया था, अलाइव वाला. इसको लिख लीजिए पहले, इसको लिखिए. कैसे एरर्स आएगा बताऊंगी. अवेयर वर्ब नहीं है, बी वर वर्ब है. अवेयर तो नाउ, अवेयर एडजेक्टिव है. चलो ऐसा कुछ सीपीओ में एरर आया था. आई सो थ्री अलाइव, आई सो थ्री अलाइव मेन एट द सी शोर, और फिर मैंने लिखा आई सो थ्री
men, alive. Seashore मतलब I saw three men alive, lying on the road, ऐसा कुछ लिख, lying on the road. और इसको लिख दो, I saw three men alive, lying on the road. अब मुझे बताओ कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट, कौन वाला करेक्ट है. हाँ, ये देखो, alive, याद रखना, alive एडजेक्टिव है और यहाँ भी alive एडजेक्टिव है. दोनों सेंटेंस में, दोनों अलाइव का मतलब है जिंदा. मैंने तीन जिंदा मैन को देखा, रोड पे पड़ा हुआ था. तो यहाँ भी अलाइव है, यहाँ भी अलाइव है, और मैन नाउन है. और आप बोलोगे मैम नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड तो एडजेक्टिव होते हैं. अलाइव यहाँ भी एडजेक्टिव है, अलाइव यहाँ भी एडजेक्टिव है, दोनों जगह अलाइव एडजेक्टिव है. बट अलाइव का कभी भी यहाँ अलाइव का ना एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है. अलाइव का एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है, बट अलाइव वर्ड कभी उसका कभी एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होता है. अलाइव वर्ड जो है हमेशा प्रेडिकेटिव यूज में रहेगा. प्रेडिकेटिव यूज में रहेगा, इसका मतलब है कि नाउन के बाद ही रहेगा. आई सॉ थ्री मैन अलाइव. ओके, आई सॉ थ्री मैन अलाइव. तो सेकेंड वाला सेंटेंस करेक्ट है, पहला वाला रॉन्ग है. पहला वाला रॉन्ग है पहला. ठीक है, हाँ, तो ये सब याद रखना है एग्जाम्स में. ही इज अफ्रेड, ये सही है. He is afraid, but he is an afraid person, afraid man. गलत है, क्योंकि इसका तो यहाँ पे afraid का predicative use होता है ना. मैंने यहाँ afraid का attributive कर दिया. But frightened का मतलब भी होता है डरा हुआ, इसका attributive use हो सकता है. He is alone. अब आपसे कोई पूछे, देखो कोई simple language में पूछे कि alone का मतलब भी अकेला और lonely का मतलब भी अकेला. लोनली का मतलब भी अकेला, अलोन का मतलब भी अकेला, बट दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों में ये डिफरेंस है कि ये जो लोनली अलोन है इसका हमेशा और हमेशा प्रेडिकेटिव यूज़ होता है. ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज़ होता है, बट लोनली का एट्रीब्यूटिव यूज़ भी कर सकते हो. ठीक है, और लोनली का प्रेडिकेटिव यूज़ भी हो सकता है. प्रेडिकेटिव यूज़ भी हो सकता है इसका, एट्रीब्यूटिव यूज़ भी हो सकता है, दोनों यूज़ हो सकता है इसका. ठीक है, जैसे लिखा मैंने लिखा द प्लेस इज लोनली, और फिर मैंने लिखा इट इज अ लोनली प्लेस. तो आप देखो यहाँ लोनली वर्ड को मैंने नाउन के बाद लाया है. नाउन के बाद लाया है मतलब प्रेडिकेटिव है, और यहाँ नाउन से पहले आया है तो एट्रीब्यूटिव है. तो लोनली वर्ड का एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों यूज होता है, बट अलोन वर्ड हमेशा और हमेशा प्रेडिकेटिव यूज में होगा. जैसे मैंने लिखा ही इज अलोन, अकेला है. अलोन के बाद ना कोई नाउन प्रोनाउन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा इसका प्रेडिकेटिव यूज हो. तो अलाइव, अलोन, ये सबसे आता है एग्जाम्स में एरर्स. हाँ, ये सबसे बहुत सारे एग्जाम्स में एरर्स आने वाले हैं. अलोन इज ऑलवेज प्रेडिकेटिव यूज. ठीक है, एक तो ये हो गया अलोन एंड ऑल वाला. दूसरा देखो, ही इज एन अलोन पर्सन, गलत है. सिंपली होगा ही इज अलोन, ये पर्सन नहीं होगा, बट लोनली का होगा. उसी तरह अलाइक, अलाइक का मतलब भी एक जैसा. अलाइक के बाद भी कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा. अलाइक का भी प्रेडिकेटिव यूज होता है. उसी तरह अस्लीप, अस्लीप का मतलब भी है सोया हुआ. तो अस्लीप के बाद भी कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होगा, इसका हमेशा और हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होगा. ही इज इल, सबका प्रेडिकेटिव यूज ही हो जाएगा. क्लोस्टर्स वगैरह सब हो जाएगा, टेंशन ना लो, सब हो जाएगा. तो 3-4 दिन बाद एक क्लास ज्वाइन ही किया है मैंने. ओके, तो ये सब एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज था. अब चलो हम चलते हैं इसके अवे. इससे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, और इससे कैसे कैसे अब डिग्रीज का एरर आएगा. ठीक है, डिग्रीज का एरर कैसे आता है एडजेक्टिव के. ये तो मैंने एक बता दिया कि एडजेक्टिव के एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज से एरर आता है. अब एडजेक्टिव के डिग्रीज से कैसे कैसे क्या क्या एरर आता है, एक मिनट थोड़ा बता दूं डिग्रीज होता क्या है एडजेक्टिव के. जैसे मैंने अभी आपको प्रोनाउन पढ़ाया ना, उसी तरह प्रोनाउन के केसेस होते हैं, उसी तरह एडजेक्टिव्स के डिग्रीज होते हैं. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज होते हैं, अलग अलग करेंगे हम लोग. पहले मुझे थोड़ा समझा लेने. एक तो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री होता है. ठीक है, दूसरा क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री. ये एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन टू, दो के बीच में. और दिस इज सुपरलेटिव में मोर देन टू, दो से ज़्यादा के बीच में. ठीक है, सुपरलेटिव में दो से ज़्यादा के बीच में होता है.
जैसे मैंने लिखा वाइज, वाइज मतलब समझदार, वाइज लिखा समझदार, और उसी का लिख दिया वाइजर, दो के बीच में समझदार, और वाइजर बहुतों के बीच में समझदार। जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगाते हैं, जैसे स्मार्ट लिख दिया। थोड़ा सा लिख रही हूँ, फिर मैं आपको वो टेबल दिखाती हूँ। स्मार्ट का स्मार्टर, स्मार्ट मतलब अच्छा, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, स्मार्ट है, और स्मार्टर मतलब दो के बीच में ज़्यादा स्मार्ट है, और स्मार्टेस्ट इज बहुतों के बीच में। तो जनरली आप देख रहे होगे ना, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगाते हैं, EST। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका ER और EST लगा के नहीं बनता है, तो उसका हम क्या लगा के बनाते हैं, मोर या मोस्ट लगा के। देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, ये सब डिग्रीज है, पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन दो के बीच में, और सुपरलेटिव इज दो से ज़्यादा के बीच में। देख रहे हो, बिग बिगर बिगेस्ट, स्ट्रांग स्ट्रांगर स्ट्रांगेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट। तो जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगा रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगा रहे हैं। बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका ER और EST लगा के नहीं बनाते हैं, वो सारे एडजेक्टिव्स जो दो या दो से अधिक सिलेबल से बना हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे पुअर को एक बार में बोल लिया, स्ट्रांग को एक बार में बोल दिया, बट ब्यूटीफुल तीन सिलेबल का वर्ड है, ब्यूटीफुल, तो उसका ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा। जिसका दो या दो से अधिक सिलेबल से बनता है उसका मोर या मोस्ट लगा, मोर ब्यूटीफुल, दो के बीच में ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका मोर या मोस्ट लगा के बनाते हैं, मोर या मोस्ट। ओके, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, अभी हम मेन करेंगे जो एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब आपके एग्जाम्स का मोस्ट फेवरेट डिग्री से कैसे कैसे एरर आता है, ये तो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बिग बिगर बिगेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट। और एक चीज़ और याद रखना है, एक चीज़, हाँ, अब जहाँ से एग्जाम्स का फेवरेट है वो सारे वर्ड्स पहले ले लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले मच और मैनी आता है, लिख लेती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, एग्जाम में जो आता है, वैसे तो इजी वाला सब आपको पहले से ही पता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपर। सबसे पहले मच और मैनी वाला एग्जाम का फेवरेट है, मच और मैनी। मच का भी कंपैरेटिव मोर बनता है और मैनी का भी मोर बनता है, और दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट बनता है, दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मच और मैनी में क्या डिफरेंस है, मच और मैनी में भाई क्या डिफरेंस है, मच इज फॉर अनकाउंटेबल, ठीक है, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो मच, और जिसको गिन सकते हैं वो मैनी। सिंपल लैंग्वेज में याद करो ना, मच क्या बताता है, मच डिनोट्स अमाउंट, क्वांटिटी, मात्रा, और मैनी डिनोट्स संख्या। हम मात्रा को नहीं गिन सकते हैं, बट संख्या को तो गिन सकते हैं ना, तो मैनी इज नंबर्स, नंबर्स मतलब संख्या, संख्या मतलब मैनी काउंटेबल के लिए है, और मच इज अनकाउंटेबल। बट दोनों का कंपैरेटिव मोर बनता है, दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट बनता है, ठीक है, दोनों का मोस्ट बनता है। और मच का ही उल्टा क्या होता है, मच का उल्टा होता है लिटिल, और मैनी का उल्टा होता है फ्यू। ठीक है, मच का ही उल्टा, एक लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट मात्रा के सेंस में लिटिल मतलब बहुत कम, ना के बराबर। लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है, लिटिल इज ऑल्सो अनकाउंटेबल बट फ्यू इज काउंटेबल। तो लिटिल भी अमाउंट बताता है और फ्यू संख्या बताता है, फ्यू संख्या। ब्रेवेस्ट मैन होगा, ही इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है ना, MAN मैन नहीं होगा, MEN। मैनी डिनोट्स नंबर और मच डिनोट्स क्वांटिटी अमाउंट। आज मैं थोड़ा आई एम हैविंग सीवियर कोल्ड, ठीक है, सीवियर कोल्ड का फोरा, उसलिए आज मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ। एनर्जी लेवल आज आपको मेरी कम दिख रही होगी थोड़ी। ये यहाँ से भर भर के एग्जाम्स में एरर आने वाला है, मच और मैनी और लिटिल और फ्यू। याद रखना है, मच अनकाउंटेबल के लिए और मैनी काउंटेबल के लिए, उसी तरह लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल। ठीक है, मच का उल्टा लिटिल और मैनी का उल्टा फ्यू, और लिटिल का दो कंपैरेटिव बनता है। ठीक है, लिटिल का दो कंपैरेटिव बनेगा, एक लेस भी बनेगा और एक लेसर भी बनेगा, मतलब दो के बीच में कम, और ये लीस्ट बहुत कम, और फ्यू का fewer और fewest। इसको उतारिए, फिर मैं इस पर बेस्ड आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। नाउन में भी बताया था ना, ओके, नाउन में भी बताया था।
मच ना, याद रखना, जिसको हम नहीं गिन सकते, जैसे जैसे पानी है, पानी को नहीं गिन सकते हो, तो पानी के लिए मच वाटर लगाओगे। पानी अगर ज्यादा है तो मच वाटर लगाओगे, पानी ना के बराबर है तो लिटिल लगाना, लिटिल, क्योंकि लिटिल भी तो अनकाउंटेबल है। हम पानी को नहीं गिन सकते हैं, बट पानी के बूंदों को तो गिन सकते हैं ना, मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। पानी के बूंद को गिन सकते हैं तो मेनी लगाना, पानी को नहीं गिन सकते हैं, मच लगाना। उसी तरह फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ओके, तो फ्यू का फ्यूअर और फ्यूएस्ट लगा। कॉफी नहीं दो जाए। ठीक है। एग्जॉस्टेड दिख रही हूँ। एग्जॉस्टेड नहीं, आई मीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड एंड कफ कफ एंड कोल्ड फॉर द लास्ट 1 वीक। ठीक है। अब हाँ, अब हमारा बच्चा का कंफ्यूजन होगा। हमारा बच्चा का कंफ्यूजन क्या होने वाला है, उन्हें क्या लगेगा ना, हमारे स्टूडेंट्स को लगेगा, अरे लेस। देखो ये बताती हूँ कि मैम यहाँ पे तो आपने लेस का दो कंपेरेटिव लिखा है, लेस भी लिखा है, लेसर भी लिखा है, तो क्या है लेस और लेसर में आखिर डिफरेंस क्या है? आपका कंफ्यूजन क्या होगा ना, कई बच्चों को ऐसा लगेगा, कहाँ चला गया, स्लाइड नहीं दिया। कई बच्चों को ऐसा लगने वाला है, उसको कंफ्यूजन, किसी को ऐसा लगेगा ना कि अरे लेस लेस लगेगा, और उसी का सोचेंगे कंपेरेटिव लेसर है, क्योंकि मैम ने बताया कि ईआर कंपेरेटिव में होता है और इसी का लीस्ट होता है। वो क्या समझेंगे ना, वो लेस को पॉजिटिव सोचेंगे, लेस पॉजिटिव है और उसी का कंपेरेटिव लेसर बनता है, और उसी का सुपरलेटिव लीस्ट बनता है। ठीक है, उसी का सुपरलेटिव लीस्ट बनता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेस कहीं से भी पॉजिटिव है ही नहीं, लेस भी कंपेरेटिव ही है। याद रखो ना, हमेशा लेस के साथ क्या लगाते हो, लेस के साथ दैन लगाते हो, और दैन हमेशा कंपेरेटिव डिग्री के लिए लगता है, तो लेस भी कंपेरेटिव है और लेसर भी कंपेरेटिव है, और इसका पॉजिटिव लिटिल होता है, लिटिल लिटिल पॉजिटिव होता है, और इसका दो कंपेरेटिव बनता है, एक लेसर भी बनता है और एक लेस भी बनता है। ठीक है, हाँ, एक लेसर भी बनता है और एक लेस भी बनता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बोलोगे मैम दोनों तो कंपेरेटिव है। याद रखना है कि जहां पे कंपेरिजन दैन लगा के कर रहे हैं वहां पे लेस लगा देना, और जहां पे कंपेरिजन ऑफ लगा के कर रहे हैं वहां पे लेसर लगा देना, अदरवाइज दोनों कंपेरेटिव, दोनों कंपेरेटिव, दोनों कंपेरेटिव डिग्री ही है। ठीक है, दोनों कंपेरेटिव डिग्री ही है, बट दैन लगा के कर रहे हो तो लेस लगाना, ऑफ लगा के कर रहे हो लेसर लगाना। यह लिखा मैंने, दिस इज द लेस या लेसर ऑफ द टू इविल्स, और फिर मैंने लिखा दिस इज लेस या लेसर देन द टू इविल्स। दोनों बुराइयों में ना थोड़ा सा ये कम है। एमटीएस इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आई। अभी मुझे थोड़ा सा फॉर्म, बस थोड़ा सा सर्दी जुकाम सब ठीक हो जा रहा है ना, एकदम फॉर्म में आ जाऊंगी मैं, क्लोस्ट्रेस वगैरह शुरू हो जाएगा आपका, नॉट टू पैनिक। 3-4 दिन, 2-3 दिन में मैं क्लास नहीं लेती हूँ ना, ऐसा लगता है कि कितने दिनों से नहीं लिया है मैंने। एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा, एडवर्ब स्टार्ट करूंगी। हाँ, तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री है, दोनों कंपेरेटिव है, यहाँ ऑफ लगा के हो रहा है ना, यहाँ हम ऑफ लगा के कंपेरिजन कर रहे हैं, और जब ऑफ लगा के कर रहे हैं तो लेसर लगाना, और जब दैन लगा के कर रहे हैं तो लेस लगाना, लेस 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 लेस। ओके, ये एक हो गया। अभी मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ लेस और लेसर वाला, फिर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट एक मिनट, मेरे को ये वाला नहीं बताओ, मेरे को क्वेश्चन 9 और 10 का एग्जाम्पल देना, मतलब आंसर बताना, 9 और 10 का, 9 और 10 का आंसर बताना। ही हैज एज मच या एज मेनी एज 50 कार। नाइन और टेन का आंसर बताना। हम कार को गिन सकते हैं, कार को गिन सकते हैं, तो मच नहीं लगाएंगे ना, मच नहीं लगाएंगे, मैं नहीं लगाएंगे, मैं नहीं। नो लेस या नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। उसी तरह लेस किसका कंपेरेटिव है, लेस लेस किसका कंपेरेटिव था, लिटिल का ही कंपेरेटिव, लिटिल का ही कंपेरेटिव लेस बनता है ना, लेकिन लिटिल तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो लेस बनता है, लेस अनकाउंटेबल है, बट स्टूडेंट्स को तो गिन सकते हैं, सो दिस इज फ्यूअर 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 ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। हम स्टार को गिन तो सकते हैं, बट इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है। मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया, एक तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल चीज़ों को तो हम गिन ही नहीं सकते,
बट काउंटेबल, काउंटेबल को हम गिन सकते हैं, और काउंटेबल में भी ना एक काउंटलेस आता है. काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब है इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है. तो काउंटलेस का मतलब है हम उसको गिन तो सकते हैं बट इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है. तो स्टार्स भी काउंटेबल ही होता है बट इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल होता है, बट जितना दिख रहा है उतना तो काउंट कर सकते हैं ना. तो स्टार्स, हाउ मच स्टार्स नहीं है, हाउ मेनी स्टार्स, हाउ मेनी मेनी. फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार. स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है और लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए. यस, तो फ्यू लगाओ, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू. ठीक है, और भी देखती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स हो. चलो ठीक है, इतना तो करवा दिया मैंने, अब आगे आगे बढ़ते. आज हम डिग्रीज कोशिश करेंगे ख़त्म कर देने का. तो यही चीज़ ये टेबल में मैंने आपको बताया. ठीक है, मैनी, मैनी का भी मोर और इसका भी मोस्ट, और मच का भी मोर और इसका भी मोस्ट, लिटिल और अनकाउंटेबल, और वो सब बता दिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल बता दिया. अब इसका आ जाओ, अब आ जाओ गुड और बैड वाला. अब एक है गुड. गुड का क्या बनता है, ये कंपेरेटिव है. गुड का बनता है बेटर, दो के बीच में अच्छा, और ये बेस्ट, बेस्ट बेस्ट. गुड या वेल का, दोनों का, दोनों का कंपेरेटिव. जैसे बोलते हो ना, आई एम बेटर, कल मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी बट आज अच्छा फील कर रही हूँ, तो बेटर. गुड का भी बेटर बनता है और वेल का भी बेटर बनता है, और दोनों का बेस्ट बनता है. उसी तरह बैड, बैड या इल, एक इल का मतलब बीमार भी होता है और एक इल का मतलब खराब भी होता है. तो उसी का कंपेरेटिव बनता है वर्स. वर्स मतलब दो के बीच में खराब, और वर्स्ट इज सबसे खराब, सबसे खराब, वर्स वर्स. इससे कैसे एरर्स आया था बता रही हूँ. ये वाला 2017 के पेपर में, मेंस के पेपर में, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इससे क्वेश्चन आया था. ठीक है, गुड का मतलब भी अच्छा और वेल का मतलब भी अच्छा, बेटर दो के बीच में अच्छा, बेस्ट इज सबसे अच्छा, बैड खराब, वर्स दो के बीच में खराब, और वर्स्ट इज सबसे खराब, सबसे खराब, सबसे खराब. इससे ना एग्जाम में ऐसा एक एरर देखा था मैंने, ऐसा लगा दिया, दिस इज वर्सर देन दैट, दिस इज वर्सर देन दैट, ऐसा लगा दिया था. उससे खराब ये है, सबसे पहले तो याद रखना कि वर्सर कोई वर्ड होता ही नहीं. ठीक है, वर्सर कोई वर्ड होता ही नहीं है. ये वर्स हम ER किस लिए लगाते हैं, ER लगाते हैं कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए, कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए. बट ये वर्स तो ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है, फिर से ER लगाने की ज़रूरत है ही नहीं. तो वर्सर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं, कहीं भी दिख जाए ये गलत वर्ड है, क्योंकि वर्स तो अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है, फिर से ER लगा के इसको कंपेरेटिव करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये 2017 के मेंस वाले पेपर में मैंने एक जगह देखा था. एक तो ये है, एक तो ये है, और दूसरा इससे क्या है, हम क्या करते हैं ना, कभी कभी एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव से भी वर्ब बनता है. ओके, एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनता है, जैसे क्विक, क्विक एडजेक्टिव है और इससे मुझे वर्ब बनाना होगा ना, तो मैं क्विकन बनाऊंगी. क्विक का मतलब जल्दी, और क्विकन करना किसी काम को जल्दी करना. जैसे मैंने लिखा लेस, लेस मतलब कम, और लेसन इज किसी को कम करना. तो ये सारे क्या है, ये सारे एडजेक्टिव है, ये सारे एडजेक्टिव है, और इससे भी वर्ब बन रहा है. उसी तरह वर्स वाला आया था, एक एक वर्स वर्ड था. ठीक है, वर्स, और वर्स एडजेक्टिव है और इससे मुझे वर्ब बनाना होगा ना, तो मैं ऐसे बनाऊँ, वर्सन 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 का वर्सन. और फिर मैं इसी का वी वन वी टू बना सकती है. अगर मुझे क्विक का पास्ट टेंस बनाना होगा तो मैं क्विकेंड बनाऊंगी. ठीक है, लेस का पास्ट टेंस बना, पहले तो मैं लेस को, लेस एडजेक्टिव है, पहले तो मैं उसको लेसन करके वर्ब बनाऊंगी, और उसका पास्ट टेंस बनाना होगा मैं लेसेंड बना दूंगी, या आईएनजी बनाना होगा तो लेसनिंग बना दूंगी. वर्ब है तो वर्ब का पास्ट टेंस और आईएनजी बनेगा ही ना, बनेगा बनेगा. तो इससे रिलेटेड कैसा एग्जाम में एरर आया था ना, आप 2017 का पेपर देखोगे ना, तो वहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन था, वॉट वॉट इज वर्सिंग, जो चीज सबसे खराब है, वॉट इज वर्सिंग इज हिज रूड बिहेवियर, जो चीज सबसे खराब है वो उसका रूखा बिहेवियर. ठीक है, ऐसा अंडरलाइन था, ऐसा अंडरलाइन कर दिया था, और ऐसा था ना वॉट, ऐसा था वॉट इज वर्सर, और एक जगह लगा दिया था वॉट इज वर्सिंग. ये पेपर देखना आपको मिलेगा,
वॉट इज वर्सनिंग, और तीसरा लगा दिया था वॉट इज वर्सनिंग, ऐसा था। मुझे बताओ कौन सा आंसर, जो चीज़ सबसे वर्सन है, सबसे ख़राब है, वो है उसका रूट भी है। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में था, बताओ। पहला वाला तो याद रखो ना, वर्सिंग सबसे पहले, ये पॉइंट टू भी नोटेड, पॉइंट टू भी नोटेड है ना, कि ये तो वर्सिंग कोई वर्ड है ही, ठीक है। वॉट इज वर्सर, ऐसा सा कुछ था, एक डाल दिया ना ये भी क्वेश्चन में। वर्सिंग कोई वर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि वर्स को पहले, वर्स को, ठीक है, वर्स को पहले वर्ब बनाने के लिए उसमें ई एन लगाना है, ठीक है। ये वर्सिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है। वर्स को वर्ब बनाने के लिए पहले वर्सन करना है, एन लगा के तब आई एन जी लगाना, तब आई एन जी। तो ये तो कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं, कोई वर्ड है ही नहीं, और वर्सर कोई वर्ड होता ही नहीं, वर्सर भी कोई वर्ड नहीं, वर्सनिंग कर। थर्ड होगा, थर्ड वर्सन जो होता है ना, वर्सन, पहले तो मैं इसे वर्ब बनाऊंगी ना, वर्सन वर्ब बनाऊंगी, तो फिर उसका पास्ट टेंस वर्सेंड बनाऊंगी ईडी लगा के, और उसका मुझे आईएनजी भी बनाना होगा, तो मैं एन लगा के तब आईएनजी लगाऊंगी ना, एन लगा के तब आईएनजी लगाऊंगी। ये 17 के मेंस पेपर में था। तो बैड वर्ड्स, वर्स्ट, ये सब याद रखना है। वर्स वर्ड से दो चीज सीखना है, वर्स वर्ड से सीखने लायक दो चीज है, कि वर्सर कोई वर्ड नहीं है, वर्स अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है, फिर से इसमें ER मत लगाना, और दूसरा जब इसका वर्ब बनाओगे ना, तो सिर्फ आईएनजी मत लगा देना, ईएन लगा के तब आईएनजी लगा, ईएन लगा के तब आईएनजी लगाना। तो बैड का भी हो गया, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, ये भी हो गया, मच मच वाला भी हो गया, मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, लिटिल का लेस और लेसर दोनों है, और लीस्ट है, और फ्यू का फ्यूअर फ्यूएस्ट। ओके, नेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ों को प्लान करना है, यूट्यूब पे कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजी चलेगा। ये भी हो गया, फ्यूअर भी हो गया। अब आ जाओ ओल्ड और एल्डर, फार फर्दर कर लेते हैं। यहाँ तक तो पूरा कवर कर दिया मैंने, ओल्ड ओल्डर। इस बार के मेंस में ना, इस बार के प्री में ओल्ड या ओल्डर वाला आया था एग्जाम में, और यहाँ भी कुछ का रॉन्ग हुआ है। कहाँ पे स्टूडेंट्स क्या समझ के रॉन्ग किए हैं, चलो उसको डील करते हैं। जैसे ओल्ड, ओल्ड ओल्ड का मतलब दो होता है, एक ओल्ड का मतलब, एक तो ओल्ड एज भी बताता है, शी इज़ 2 years old, वो 2 साल की है, और एक ओल्ड का मतलब है पुराना। ओल्ड का 2 कंपेरेटिव बनता है, एक ओल्डर भी बनता है और एक एल्डर भी बनता है, ठीक है। जिसका ओल्डर बनता है उसका ओल्डेस्ट, और जिसका एल्डर बनता है उसका एल्डेस्ट। अब ये वाला चीज़ ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था इस बार, जिसने CGL प्री का पेपर दिया था, उसमें क्या था ना, कि बच्चे हमारे रट रखे हैं कि मैम ओल्डर एल्डर जनरली ब्लड रिलेशंस के लिए होता है, अपने भाई बहन में कंपैरिजन हो रहा है तो एल्डर लगा लो, दोस्तों से हो रहा है ओल्डर लगा लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि अपने भाई बहन में होगा तभी एल्डर होगा, हम दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओल्ड का ओल्डर बनता है, और जिसका ओल्डर बनता है उसी का सुपरलेटिव ओल्डेस्ट, जिसका एल्डर बनता है उसी का एल्डेस्ट। अब डिफरेंस देखो, ये जो ओल्डर होता है ना, क्या डिफरेंस देखो, ओल्डर, क्योंकि उन्होंने दिमाग में रट रखा है ना कि मैम ओल्डर हमेशा, एल्डर हमेशा अपने भाई बहन के लिए, ऐसा नहीं, अपने भाई बहन के लिए ओल्डर भी लगा देते हैं। और वही इस बार आपके CGL में ना, उसका कंपेरिजन उसके भाई से हो रहा था और उन्होंने ओल्डर लगा दिया था, और बच्चों ने ओल्डर हटा के एल्डर किया, बट जब आंसर किया आया तो ऐसा कुछ भी एरर नहीं था। तो हम दोनों के लिए लगा सकते हैं, एल्डर पर्सन्स के लिए भी लग सकता है, ओल्डर थिंग्स के लिए भी लग सकता है। लेकिन ये एल्डर जो है, ये हमेशा और हमेशा पर्सन्स के लिए, एल्डर कभी भी थिंग्स के लिए नहीं होगा, हमेशा और हमेशा पर्सन्स के लिए। बट ओल्डर पर्सन्स के लिए भी, थिंग्स के लिए भी, ठीक है, और कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। अपने भाई बहन में भी कंपैरिजन हो रहा है तो एल्डर तो लगाते ही हो, लेकिन हम ओल्डर भी लगा देते, कोई दिक्कत, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस क्या है, कि ओल्डर के साथ हम दैन प्रेपोजिशन लगाते, एल्डर टू, एल्डर के साथ। तो एल्डर इज ऑलवेज लोगों के साथ, चीज़ों के साथ कभी भी नहीं, बट ओल्डर लोगों के साथ भी, चीज़ों के साथ भी, और कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ओल्डर में, और आपके अपने भाई बहन भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन वाले भी हो सकते, ठीक है। और एल्डर भी फ्रेंड्स के साथ भी लगा दो, ब्लड रिलेशंस के साथ भी, मतलब ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है कि उसके साथ वो, इसके साथ वो, आप कोई भी किसी के साथ लगा दो। एल्डेस्ट ओल्डर, वही एल्डेस्ट भी वही है,
एल्डर का ही सुपरलेटिव है और ओल्डर का ही सुपरलेटिव ओल्डेस्ट। एंड करेंगे, धीरे धीरे चला रही हूँ क्लास को, बस अब एंड एंड करूंगी। हाँ, मुझे एक चीज आप लोग को और भी बताना था कि अभी मैं अन अकेडमी के यूट्यूब पे ना मॉक शुरू कर रही हूँ, ठीक है? स्टूडेंट्स को बताना था, मॉक शुरू हो रहा है अन अकेडमी के यूट्यूब पे, ठीक है? ध्यान रखना है, ये सीजीएल और सी मतलब खास करके ये सीएचएसएल को टारगेट करते हुए, सीएचएसएल को टारगेट करते हुए मॉक शुरू हो रहा है दोनों के लिए। बता दूंगी अभी ना, मंडे से अन अकेडमी इंद्रधनुष पे मॉक शुरू कर रही हूँ और 20 तारीख के बाद से मेंस का मॉक शुरू होगा। कहाँ कहाँ कैसे शुरू होगा बताते जाऊँ। ओके, 20 तारीख के बाद से मेंस का मॉक, मंडे से सीएचएसएल का मॉक्स, अभी बहुत सारे मॉक्स लगाने होंगे लास्ट के दिनों में ना, सिर्फ मॉक्स लगाना। और प्री वाले बच्चे भी मेंस का मॉक्स देंगे, प्री मेंस कुछ नहीं होता है, फ्री फ्री सारे फ्री, सारा फ्री सारा फ्री। मंडे से तो इंद्रधनुष पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मेंस का मैं बता दूंगी, मंडे से इंद्रधनुष चैनल पे मॉक शुरू होने वाला है 1 से 2। और मैंने अब डिसाइड क्या किया है ना, कि फ्लो टूट जाता है, ठीक है? आपका फ्लो टूट जाता है तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि जो 1 से 2 मैं क्लास लेती हूँ ना, मंडे वेंसडे फ्राइडे, ठीक है? मंडे वेंसडे फ्राइडे लेती हूँ, तो मैंने सोचा है कि मॉक्स को लगातार लगातार कर दूँ, लगातार मंडे से फ्राइडे, ठीक है? मैं 1 घंटे की क्लास ना लूँ, मुझे लग रहा है ना कि आपका मॉक्स 40-45 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ मंडे से फ्राइडे लगातार आपका मॉक्स करवा दूँ। उससे क्या होगा कि आप रेडी हो जाओगे, रेडी होके अच्छे से जाओगे एवरी डे। आई लेट यू नो, मैं सब बता दूँ। नहीं, मॉक्स अलग होता है, PYQs अलग। मैंने PYQs बहुत सारा करवा दिया, PYQs करवा दिया, अब मॉक करवाऊँ, ठीक है? तो कल मैं ना वो आपका ये सब करवा दूंगी। हाँ, 1 मिनट, अभी जो मैंने पढ़ाया है उसको बता देती हूँ। चलो बताओ, दिस इज द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। जितना ज्यादा मॉक्स देंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बताना, आई लेट यू नो, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल देखो, ऊपर कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेम्पल, टेम्पल नॉन लिविंग थिंग है ना, और नॉन लिविंग थिंग के साथ एल्डर एल्डेस्ट आते ही नहीं है। ओल्डेस्ट, ही इज ओल्डर या एल्डर दैन इज फ्रेंड, तो लेकिन यहाँ पे दैन लगा है, दैन लगा है, तो दैन के साथ तो आप ओल्डर ही लगाओगे ना। अगर टू लगा है तो एल्डर लगाना, एल्डर लगा, ठीक है? तो चलो, थोड़ा सा क्लास आज स्लो स्लो गया है, थोड़ा सा क्लास आज स्लो स्लो गया है, बट फिर भी आई ट्राई टू कम्प्लीट। कल हम लोग पूरा डिग्रीज कम्प्लीट कर लेंगे एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव में ना बहुत सारी चीज़ें, फ्रेजल वर्ब बिल्कुल होने वाला है। चलो पहले ग्रामर रुकेगा थोड़ा सा। कल मैंने आपको परसों एडजेक्टिव स्टार्ट किया था, ठीक है? एडजेक्टिव मैंने स्टार्ट किया था और मैं एडजेक्टिव का आपको डिग्रीज करवा रही थी, ठीक है? डिग्रीज में मैंने आपको बताया था मच का मोर मोस्ट, लिटिल का लेस लेसर लीस्ट, फ्यू का भी फ्यूअर फ्यूएस्ट, ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट, ये सब करवा दिया था। नियर का लिख लेना, नियर का नियरर भी होगा और नियरेस्ट भी, और एक नियर का ना नेक्स्ट होता है, NEXT, नेक्स्ट नेक्स्ट, लिखते जाइएगा लिखते जाइए नेक्स्ट। परसों मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था, नियर का दो बनता है, एक नियरर बनता है और इसका सुपरलेटिव नियरेस्ट भी बनता है और नेक्स्ट भी बनता है। उसी तरह लेट, लेट का एक तो लेटर बनता है, ठीक है, और इसका दो सुपरलेटिव बनता है, ठीक है? एक लेटर भी बनता है और एक लैटर भी बनता है, इसको लिखो लैटर, LATER, इससे एग्जाम्स में एरर आता है। लैटर भी बनता है, लेटर भी बनता है, लैटर भी बनता है, और जिसका लेटर बनता है उसका सुपरलेटिव लेटेस्ट बनता है, जिसका लैटर बनता है उसका लास्ट बनता है। रुको एक बार, अच्छे से इसको अलग से लिख के समझाना होगा। फार फार्दर और लेट, लेटर वाला एग्जाम का फेवरेट है। और फॉर्मर का, फोर का मतलब होता है पहले, तो इसका फॉर्मर होता है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर का मतलब है पहले और लैटर इज बाद में। इसको मैं अलग से लिख के समझ। पॉजिटिव डिग्री, ठीक है? अभी हम लोग जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, एडजेक्टिव का पहला क्लास हो चुका है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन दो के बीच में, और एक है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? तो पहले लेट वाला कर लेते, लेट का, ठीक है? लेट का दो कंपैरेटिव बनता है, एक एक लेट का लेटर भी बनता है और एक लेट का लैटर भी बनता है। इसको लैटर पढ़ना, ठीक है? इसको लैटर पढ़ना, और जिसका लेटर बनता है ना उसी का सुपरलेटिव लेटेस्ट बनता है, और जिसका लैटर बनता है उसी का लास्ट। अब आप मुझे बोलोगे लेटर और लैटर में क्या डिफरेंस है?
अब आप मुझे बोलोगे ना कि मैम लेटर और लैटर में क्या डिफरेंस है. लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर, ये लेटर किस सेंस में यूज होता है? ये लेटर हम टाइम के सेंस में यूज करते हैं, टाइम बताने के लिए. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. तो है तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? लेटर टाइम बताता है और ये लैटर, लैटर का मतलब होता है बाद में. लेटर का मतलब भी बाद और लैटर का मतलब भी बाद. लैटर टाइम के सेंस में और लेटर और लैटर सीक्वेंस में बाद. सीक्वेंस मतलब क्रम में, क्रम में बाद. और जिसका लेटर बनता है ना उसी का लेटेस्ट बनता है. लेटेस्ट भी टाइम के सेंस में और जिसका लैटर बनता है उसी का लास्ट, लास्ट भी क्रम में, सीक्वेंस. एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए. नेक्स्ट चलो. अब हम लोग इस बैच के ना, ये ए टू जेड ग्रामर का बैच है, इस बैच के एकदम लास्ट पड़ाव पे ही है. अब दो चार चैप्टर बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा. तो मैंने लिखा एग्जाम्पल में, ऑफ द टू फ्रेंड्स, ऑफ द टू फ्रेंड्स He was the latter, या latter to come. Of the two friends, he was the latter or later to come. दूसरा, I will talk to you later, या latter. तीसरा, the later, या latter part of his life was devoted to religion. पहले मुझे बताओ. I didn't stop the phrasal verb series. I'll be continuing. Not to worry. I'll be continuing the phrasal verb series. Why will I stop? I'll be continuing. Not to worry. Of the two friends, he was the latter or later to come. दोनों दोस्तों में वो सबसे, मतलब वो दोनों दोस्तों में वो बाद में आया. कौन वाला लगाओगे? गुरुजी इतने ही, पहला वाला आपने रॉन्ग आंसर दिया. दोनों दोस्तों में, यहाँ पे कंपैरिजन ना. हाँ बताओ, ही वॉज द लेटर या लैटर टू कम. यहाँ पे कंपैरिजन, पहला वाला, पहला वाला का आंसर दीजिए. पहला वाला का आंसर लैटर है. नहीं नहीं ठीक दिया आंसर, ठीक दिया है गुरुजी, तो आपने सही आंसर दिया. यहाँ पे लैटर है, यहाँ पे कंपैरिजन ना दोनों दोस्तों में हो रही है. दो दोस्त में ये सबसे बाद में आया. दो दोस्त का कंपैरिजन हो रहा है, बाद में आया मतलब क्रम में, ये बाद में आया. टाइम के सेंस में नहीं है. और मैं आपसे बाद में बात करूंगी, तो यहाँ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, टाइम की बात हो रही है. और आपके लाइफ का दो पार्ट होता है, एक तो पहला पार्ट और एक लाइफ का दूसरा पार्ट. तो दूसरे पार्ट वाले को लैटर पार्ट बोलते हैं. क्रम में जो आपके लाइफ का बाद वाला पार्ट, लैटर, लैटर, लैटर. ये हो गया. अब आ जाओ फॉर्मर वाला, लिख लिया होगा. अब ये फॉर्मर, फार, फार्दर वाला भी करते हैं. ये सब बहुत बार मिलेगा आपको. जैसे फार है, फार का मतलब है दूरी के सेंस में, फार. तो इसका फार्दर भी होगा और इसका फर्दर भी होगा. और जिसका फार्दर बनेगा ना उसी का सुपरलेटिव फार्देस्ट है, और जिसका फर्दर बनेगा उसका फर्देस्ट, फर्देस्ट. एग्जाम्पल दे रहे हैं, माई हाउस इज फार्दर फ्रॉम द प्लेस, या फर्दर फ्रॉम द प्लेस, या ही इज गोइंग टू यूएस, ही इज गोइंग टू द यूएस फॉर फार्दर या फर्दर स्टडीज. पहले तो इसको समझा लूँ मैं कि ये फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है. आप बोलोगे मैम फार का तो दो कंपेरेटिव बन रहा है, क्या डिफरेंस है? फार्दर या फर्दर में ये डिफरेंस है, ये जो फार्दर है ये डिस्टेंस के सेंस में, फर्दर, फार्दर डिस्टेंस दूरी के सेंस में, और ये फर्दर का मतलब है आगे की, एडिशनल, आगे की जानकारी के लिए, एडिशनल, एडिशनल फॉलोइंग नेक्स्ट, आगे की जानकारी के लिए, फर्दर स्टडीज. तो क्या होगा, माई हाउस इज फार्दर, मेरा घर इस जगह से दूर है, दूरी के सेंस में फार्दर लगाना. बट आगे की पढ़ाई के लिए वो यूएस जा रहा है, या पैम्पलेट्स में लिखा हुआ मिलता है ना, फॉर फर्दर डिटेल्स, आगे की जानकारी के लिए आप ये करो, तो यहाँ पे फर्दर होगा, फर्दर स्टडीज आगे की. सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना. नेक्स्ट, आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर डिटेल्स आगे की जानकारी के लिए. ओके डन, ये भी हो गया. दूसरा फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, फॉर्मर का मतलब अर्लियर, और एक होता है फर्स्ट और एक होता है फॉरमोस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट याद रखना है क्रम में पहले, और ये फॉरमोस्ट का मतलब होता है पहले के सेंस में नहीं है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के सेंस में जाता है. आपने ऐसा सुना होगा द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट का मतलब है पहला,
सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, तो फोरमोस्ट का मतलब ना इंपॉर्टेंट के सेंस, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के सेंस। ठीक है, तो डिग्रीज मोर मोस्ट प्रोबेबली हमने कर लिया, डिग्रीज वगैरह हो ही गया। हाँ चलो, मेरे को कुछ एग्जाम्पल्स का बता दीजिए। ही इज द रिचर और रिचेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, ही इज द रिचेस्ट और रिचर ऑफ द टू ब्रदर्स। एडजेक्टिव को ना मैं बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि फिर बीच में रुक जाएगा ये। तो एडजेक्टिव को थोड़ा ही जगह, एक स्पेसिफिक जगह पे ही रोक देना है, क्योंकि मंडे से मैराथन शुरू हो जाए। हाँ, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है ना, दो भाइयों की कंपैरिजन हो रहा है। रिचेस तो दो से ज़्यादा के लिए, बट यहाँ पे तो दो भाई है। ही इज़ गोइंग टू द US, आगे की पढ़ाई के लिए जा रहा है। और माई हाउस इज, ये तो बता दिया फादर ने। दिस इज़ द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, ये तो करवा दिया था, ये लास्ट क्लास करवा दिया था ना। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एल्डेस्ट नहीं लगाते, ओल्डेस्ट। और दैन लगाया है तो ओल्डर के साथ दैन लगता है और एल्डर के साथ टू। अब बताओ, गांधी जी वॉज द फर्स्ट या फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया, क्या होगा? गांधी जी इंडिया के फर्स्ट लीडर थोड़ी थे, गांधी जी वॉज द फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर, इम्पोर्टेंट किस, फॉरमोस्ट फॉरमोस्ट, फर्स्ट लीडर गांधी जी थोड़ी थी। ऑफ द थ्री फ्रेंड्स, हाँ बताओ, ही वॉज द, हाँ ये बताओ, ऑफ द थ्री फ्रेंड्स ही वॉज द लैटर और लास्ट टू कम। जो भी मैंने आपको डिग्रीज पढ़ाया ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। दो दोस्तों की बात हो रही है ना, लैटर तो दो के लिए होता है, लैटर दो के लिए होता है, बट यहाँ तीन दोस्तों की बात हो रही है, तीन दोस्त की, तो यहाँ पे लास्ट लगा। और कार तो काउंटेबल है, और काउंटेबल चीज़ों के लिए मैनी, स्टूडेंट्स भी गिन सकते हैं, उसके लिए भी फ्यूअर, ये हमने कल कर लिया, ये हो गया। बिलियंस ऑफ स्टार्स भी काउंटेबल है ना, तो इसके लिए भी मैनी, और स्टूडेंट्स भी काउंटेबल है, फ्यू, लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए। तो डिग्रीज हमने एडजेक्टिव का, डिग्रीज जो जो मेन मेन एग्जाम्स में आता है वो सब कवर कर लिया, ठीक है। डिग्रीज वी हैव कम्प्लीटेड, मैंने आपको कल ही बताया था कि एडजेक्टिव्स को तीन तरह से पढ़ना है। पहले तो डिग्रीज पढ़ लेना है, ठीक है, पोजिशन पढ़ लेना है, मैनी मैनी मैनी, और उसके बाद आप मिसलेनियस चीज़ें करेंगे, मिसलेनियस करेंगे। ये आपको मैंने बहुत बार बताया भी है, ये मैंने आपको अभी जो मैं अ लिटिल द लिटिल है ना, इसको मैंने सब्जेक्ट वर्ब में भी बताया है, हम लोग आर्टिकल में भी पढ़ेंगे, हम लोग एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, बट एडजेक्टिव में एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल करेंगे, आर्टिकल में आर्टिकल वाला एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये मिल जाएगा एग्जाम्स में। जैसे लिटिल, लिटिल और फ्यू, लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए। फिर है अ लिटिल, क्वेश्चन टैग में भी आता है ये, अ लिटिल या ऑफ। अब है द लिटिल और द, क्या, अब लिटिल और फ्यू का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखो कि लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल, लिटिल है अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू है काउंटेबल, ठीक है। और डिफरेंस क्या है कि नीचे वाले दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, अ लिटिल अ फ्यू आया, और द लिटिल द फ्यू आया। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है इतना कम कि ना के बराबर, लिटिल और फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, यस, ओके, हाँ। और दूसरा अ लिटिल और अ फ्यू, इसमें आर्टिकल लग गया, और ये जो लिटिल और फ्यू है ना, ये कैसा वर्ड है? लिटिल और फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। आप बोलोगे कि मैम नेगेटिव वर्ड में तो नो, नॉट, नेवर, नथिंग, हार्डली आता है, बट लिटिल और फ्यू भी नेगेटिव है, क्योंकि लिटिल और फ्यू का मतलब है कि इतना कम की ना के बराबर, तो इसको आप नेगेटिव मानोगे, ये एक नेगेटिव वर्ड है, और जब इसमें आर्टिकल लग जाता है ना तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब होता है, अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब होता है एटलीस्ट थोड़ा, एटलीस्ट समथिंग। और द लिटिल और द फ्यू का मतलब है जो थोड़ा भी बचा है, ओके, खास किसी बचे हुए पास पार्ट में से जो थोड़ा भी बचा है वो सारा, द रिमेनिंग, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, तो द रिमेनिंग या जो भाग बचा हुआ है उसमें से सारा। आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है ना कि अकेला लिटिल और अकेला फ्यू नेगेटिव वर्ड है, और अ लिटिल और अ फ्यू कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव है, और द लिटिल और द फ्यू भी पॉजिटिव, ठीक है। द लिटिल और द फ्यू का मतलब है जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, और अ लिटिल इज एटलीस्ट समथिंग, तो दिस टू आर पॉजिटिव वर्ड्स एंड दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। अब इस पे बेस कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे, हो गया। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते, लिख लिया है। बिगिनर के लिए कुछ भी क्वेरी है ना, कुछ भी क्वेरी है, टीम से पूछ सकते हो, ठीक है, क्लास के बीच में नहीं। कुछ भी आपको पूछना है कि कोई भी बिगिनर इस चैनल पे आता है तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना, आपको गाइड कर देंगे।
24, ठीक है। पेड बैचेस कैसे लेना है, अन अकेडमी पे आपको पेड बैच ज्वाइन करना, जो भी यहाँ पे अवेलेबल अवेलेबल है यहाँ पे सारा डन। अब इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये जो आपको मैंने अभी पढ़ाया है ना वही लिखा है, यूज ऑफ लिटिल, लिटिल और फ्यू का मतलब है नेग्लिजिबल, तो लिटिल और फ्यू नेगेटिव वर्ड है, और अ लिटिल ऑफ यू का मतलब एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव वर्ड है, और तीसरा द लिटिल द फ्यू जो भी बचा है उसमें से सारा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अब इस पे बेस क्वेश्चंस कर लेते हैं। विथ लिटिल नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। अब बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। नेक्स्ट मंथ नया बैच शुरू हो रहा है, नेक्स्ट मंथ नया बैच शुरू हो रहा है ग्रामर का, दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट मंथ में एक एरर का बैच शुरू हो रहा है, प्रैक्टिस बैच 1 मार्च से, और 10 मार्च के करीब ना ग्रामर का भी बैच शुरू होगा। हाँ, विथ लिटिल नॉलेज, लिटिल का मतलब क्या है, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर नॉलेज से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ना के बराबर नॉलेज नहीं होगा ना, अ लिटिल लगाना, थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है, विथ अ लिटिल नॉलेज थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना, एटलीस्ट सम नॉलेज भी होता ना तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता, पॉजिटिव चाहिए पॉजिटिव। दूसरा द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन लास्ट, द सॉइल वॉज मॉइस्ट, सॉइल में नमी थी, थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी ना, तो लिटिल नहीं होगा, अ लिटिल, ना के बराबर बारिश से सॉइल गीला कैसे रहे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बारिश तो हुआ ही होगा। नेक्स्ट, दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू कस्टमर्स, ये एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है, द क्लेवर वंस विल जज इट्स रियल वर्थ। दो मतलब यद्यपि, और ग्लॉस का मतलब चमक, ये बोलना चाह रहे हैं यद्यपि इसकी चमक, कोई प्रोडक्ट होगा यद्यपि इसकी चमक कुछ कस्टमर्स को तो बेवकूफ बना सकता है, बट जो चलाक वाले हैं वो तो इसकी असली कीमत पहचान दे। क्या होगा, सब होगा, थोड़ा सा क्लास में छुट्टी पे चली गई थी, थोड़ा सा क्लास वगैरह डिस्टर्ब हो गया था, मंडे से आपका सब चीज़ रेगुलर होगा, टेंशन ना लो। MTS के लिए कैसे तैयारी करनी है ना, उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका एक अलग से वीडियो बना हुआ देख। हाँ, यद्यपि इसकी चमक ना के बराबर कस्टमर्स को नहीं, कुछ को, अ फ्यू कस्टमर्स को तो बेवकूफ बना सकता है, बट चालाक वाले इसकी वैल्यू को पहचान। द शो वॉज कैंसल्ड, शो को कैंसिल कर दिया क्योंकि ना के बराबर लोग आए थे, टर्न अप मतलब प्रेजेंट हुए थे, ना के बराबर लोग आए थे, नेगेटिव चाहिए ना, और अ फ्यू तो पॉजिटिव है, फ्यू पीपल, फ्यू द फ्यू नहीं लगाओ, अ फ्यू, जैसे अ फ्यू कस्टमर्स को बेवकूफ बना सकते हैं, कोई खास कस्टमर्स की बात थोड़ी हो रही है, कुछ एक आध को बेवकूफ बना लेगा इसकी चमक, पर चलाक वाले तो पहचान जाए। मैराथन सीरीज में सिर्फ प्रैक्टिस ही होने वाला है, किसी दिन एरर्स होगा, किसी दिन वोकैब होगा, किसी दिन क्लोज टेस्ट होगा, इसी को तो मैराथन है ना। इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, ग्लॉस नाउन है, ग्लॉस नाउन है, इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। एक तो ये हो गया ना, मैं ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक चीज़ मुझे आपको बताना है कि जो एडजेक्टिव है ना इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूँगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब हमारे पास क्या क्या चैप्टर बच गया है, एडवर्ब बच गया है और आर्टिकल बचा है, ठीक है, एडवर्ब और आर्टिकल चैप्टर ही बचा है ना, और शायद सब्जेक्ट वर्ब बचा है, शायद यही तीनों चैप्टर बचा है, ग्रामर का यही चैप्टर बच गया है, तो इसको मैं मैराथन के बाद ना कोशिश करूँगी, मैराथन के बाद 15 मार्च तक पूरा आपका ग्रामर को ख़त्म कर दो, ठीक है, ग्रामर को ख़त्म कर दो 15 मार्च तक, 3 चैप्टर और बच गया है, एडजेक्टिव तो मैं ख़त्म ही कर दूँ। मैं सोच रही हूँ ना बहुत आगे बढ़ाऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल टर्न्ड सॉर, क्या होगा यहाँ पे बीच में मुझे, हाँ सब्जेक्ट वर्ब, अच्छा क्वेश्चन टैग भी है ना, हाँ क्वेश्चन टैग और आर्टिकल तो छोटा चैप्टर, नाउन पढ़ा दिया है भाई, नाउन पढ़ा दिया है मैंने, नाउन तो शुरू में ही पढ़ा दिया है। बताओ अब लिटिल मिल्क, जो थोड़ा भी मिल्क बचा हुआ था ना, किसी खास मिल्क की बात हो रही है, वो भी ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको रोकने से ना। अब आ जाओ सम और एनी के बीच का डिफरेंस, ठीक है, पहले तो मैंने आपको एडजेक्टिव का डिग्रीज पढ़ाया, ठीक है, एडजेक्टिव का मैंने आपको डिग्रीज पढ़ाया, फिर अ लिटिल द लिटिल वो सब पढ़ाया, और सम और एनी भी डिटर्मिनर है, अब हम उसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, सम और एनी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये वाला पहले नोट करिए। सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज होता है, ये मत सोचना ना, ये वाला डिफरेंस देखो, ये वाला पहले डिफरेंस देख लो, इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, और एनी का यूज पॉजिटिव में भी होता है और एनी नेगेटिव है। अभी मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि सम और एनी में क्या डिफरेंस है, सम पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है,
और एनी का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में हो सकता है. देखो ही हैज सम ब्यूटिफुल गिफ्ट्स, पॉजिटिव सेंटेंस है. और एनी पर्सन कैन डू द वर्क, एनी पॉजिटिव सेंटेंस में भी है. आई डोंट हैव एनी बुक, एनी नेगेटिव में भी है. एनी का यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज करते हैं. और सम हमेशा पॉजिटिव में, इसको लिख लीजिए. और सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है. मनी इज अनकाउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल है, लगा दिया सम. बुक्स काउंटेबल है, लगा दिया. उसी तरह ही डजेंट हैव एनी नॉलेज, नॉलेज एनी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, बट बुक काउंटेबल है. इसको लिखो, लिखिए फटाफट इसको. अभी एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए. लिख लिया है. सम का यूज पॉजिटिव में और एनी का यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों. नेक्स्ट वाला यहीं तक करके एंड करेंगे. अब लिखो, पहले तो ऐसे लिखो, सम और एनी. सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में. और एनी का यूज पॉजिटिव में भी होता है. जनरली हम एनी को नेगेटिव में भी यूज करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव दोनों में. अब ऐसा मुझे लिखना होगा ना, आई डोंट हैव सम और एनी बुक. आई कैन डू द वर्क विदाउट एनी या सम हेल्प. दूसरा, ही हार्डली हैज सम और एनी नॉलेज. लिख लिया है सबने यहाँ. तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या है. आई डोंट हैव, डोंट इज अ नेगेटिव वर्ड, डोंट नेगेटिव है. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में तो सम का यूज नहीं होगा ना, नेगेटिव सेंटेंस में तो एनी करते. उसी तरह आई कैन डू द वर्क विदाउट, विदाउट सम हेल्प नहीं होगा. विदाउट इज ऑल्सो नेगेटिव, विदाउट भी नेगेटिव है, एनी लगा. और हार्डली भी नेगेटिव है, ही हार्डली हैज, हार्डली भी नेगेटिव है, एनी. एनी 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 नेगेटिव में हमेशा और हमेशा एनी एनी. लेकिन कभी कभी हम एनी को पॉजिटिव में भी यूज कर देते हैं. अब आ जाओ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी यूज होता है. बट हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ये देखो, ये नोट करो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का भी यूज कर सकते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम. इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस में एनी का भी यूज होता है, सम का भी यूज होता है. तो आप मुझे बोलोगे कैसे पता चलेगा मैम कहाँ पे सम यूज किया जाए, कहाँ पे एनी यूज किया जाए. अगर किसी सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप वाक्य में कुछ इन्फॉर्मेशन किसी से मांग रहे हो तो एनी लगाना. और कहीं पे किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो, ठीक है, कोई ऑफर वगैरह कर रहे हो, हेल्प वगैरह, एडवाइस वगैरह दे रहे हो, तो वहाँ पे सम लगाना. ठीक है, वहां पे सम लगाना. अब सेंटेंस देखना, यहाँ पे कुड यू लेंड मी सम मनी या एनी मनी. आप बोलोगे मैम ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम भी यूज होगा, एनी भी यूज होगा. एनी का भी यूज करते हैं जब किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी को कोई चीज ऑफर वगैरह कर रहे हैं या किसी से कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो वहां पे सम लगाना. बताओ क्या होगा, क्या होना चाहिए. कुड यू लेंड मी एनी हेल्प मनी, या आप मेरे को कुछ पैसे दे सकते हो. इन्फॉर्मेशन थोड़ी मांग रहे हो, आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो. ओके, कुड यू लेंड मी, ऑफर मांग रहे हो कि क्या आप दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो. एनी नहीं होगा जी, सम होगा. सम, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. सो यू हैव नहीं होगा यहाँ पर, डू यू हैव. अब यहाँ पूछ रहे हैं, ये भी तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है. डू यू हैव, आपके पास कुछ पैसे बचे हैं छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए कुछ पैसे बचे हैं, बताओ. हाँ ना, क्या है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, दैट इज एनी एनी एनी. डू यू हैव एनी मनी लेफ्ट. और ये भी याद रखना है, कुछ वर्ड्स विदाउट, हार्डली, स्कार्सली, ये रेयरली सब नेगेटिव है, ये अपने साथ एनी लेगा. एनी लिख के करवाए, एनी लेगा. ठीक है, इतनी दूर तक रहने देती हूँ. आई कैन डू द वर्क विदाउट एनी एनी एनी. अब मुझे बताओ कि विदाउट, विदाउट भी नेगेटिव है और लिटिल भी नेगेटिव है, और दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएगा ना, तो विदाउट लिटिल हेल्प नहीं होगा, विदाउट एनी हेल्प. चलो इतनी दूर तक आज रहने देते हैं, ठीक है, इतनी दूर तक आज रहने देते हैं. आगे मैं आपको, नॉट टू वरी, आगे मैं आपको एडजेक्टिव्स खत्म कर दूंगी, टेंशन लेने की कोई बात. चलो स्टार्ट किया जाए. हाँ,
मैंने एडजेक्टिव चैप्टर ना आपको 1 month पहले ही शुरू किया था. आई थिंक मैंने एडजेक्टिव का आपका 2 classes लिया भी था. ठीक है, आई टुक 2 classes ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव का 2 classes मैंने लिया था जहाँ पे मैंने एडजेक्टिव का डिग्रीज पढ़ाया था. कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, उससे कैसे कैसे एरर्स आते हैं, अ लिटिल, द लिटिल. तो एक बार आप उस वीडियोज़ को देख लेना. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे. सारा सब एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है. आप लोग ना अननेसेसरी परेशान होते हो. चलो अब हम लोग DRDO का एग्जाम है ना, बेस्ट ऑफ लक. ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स भी बता दूंगी, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स भी बता दूंगी. कुछ मत पूछो, अब सिर्फ पढ़ लो. ठीक है, अब मैंने एडजेक्टिव का आपको 2 class लेके बेसिक बता दिया था. अब हम आगे कंटिन्यू करें. कभी भी ना वाक्य में यूजेस ऑफ एडजेक्टिव से कैसे एरर आते हैं, कभी भी वाक्य में 2 comparative degree और 2 superlative degree नहीं होता है. अवॉइड यूजिंग डबल comparatives एंड डबल superlative. इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू पता चल जाएगा. ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर. देखो, मोर इज ऑल्सो कंपेरेटिव एंड वाइजर इज ऑल्सो कंपेरेटिव. जब हम वाइजर का ER लगा के कंपेरेटिव बनाते हैं, जैसे वाइज का बनाते हैं ना, वाइज का होता है वाइजर एंड वाइजेस्ट. जब हम वाइज का कंपेरेटिव ER लगा के बनाते ही हैं तो फिर से मोर वाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है. हम मोर तो तभी लगाते हैं ना जिसका ER लगा के नहीं बनता है. जैसे मैंने लिखा शी इज़ मोर ब्यूटिफुल, तो ब्यूटिफुल का ब्यूटिफुलर नहीं बनता है, इसीलिए हम मोर ब्यूटिफुल लगाते हैं. तो यहाँ तो एक ही कंपेरेटिव डिग्री है, बट यहाँ तो 2 comparative आ गया, तो हम 2 comparative नहीं लगाएंगे. तो एक हटा दो, सिंपली लिखो ही इज़ मोर वाइजर. ही इज़ मोर वाइजर, मोर वाइजर. ठीक है, ओके. लेकिन अगर एग्जाम में ना ये भी ध्यान रखना है कि 2 comparative एक साथ नहीं आएगा. आप कभी भी ना मोर वाइजर नहीं लगा सकते हो, या मोर वाइजर या मोर स्मार्टर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि दोनों कंपेरेटिव है. या तो अकेला वाइजर लगाओ या तो अकेला स्मार्टर लगा, या तो अकेला स्मार्टर लगा, ये सब नहीं लगा सकते. लेकिन हम मोर तो नहीं लगा सकते हैं, बट हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ मच लगा सकते हैं, मच वाइजर लगा सकते हैं. जैसे आप मोर बेटर भी नहीं लगाओगे, मोर भी कंपेरेटिव है और बेटर भी कंपेरेटिव है, और 2 comparative degree एक साथ नहीं लगेगा, तो मोर बेटर नहीं लगेगा. लेकिन हम मोर तो नहीं लगा सकते हैं, बट बेटर लगा सकते हैं, सॉरी मच लगा सकते हैं. ही इज मच बेटर हम लगा सकते हैं, ही इज मच स्मार्टर, क्योंकि यहाँ पे 2 comparative नहीं है, मच स्मार्टर. ठीक है, मच बेटर, मच स्मार्टर, मच वाइजर, मच लगा देते हैं, बट मोर नहीं लगा सकते. सपोज आपके एग्जाम में ऐसा एरर आ गया. ठीक है, ऐसा एरर आ गया और इसको अंडरलाइन कर दिया, यही वाला सेंटेंस ना, चलो यहाँ पे लिख के बताती हूँ. यही वाला सेंटेंस अगर इम्प्रूवमेंट में आ गया, जैसे ऐसा लिखा ही इज मोर वाइजर, अगर ऐसा लिखती तो ये सही है. ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, भाई से ज़्यादा समझदार है. ठीक है, भाई से ज़्यादा समझदार है, ये तो चलो करेक्ट है. और मैं लिखती ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, और मैं ये वाला क्वेश्चन सपोज इम्प्रूवमेंट में आता और मैं यहाँ को अंडरलाइन कर देती. ठीक है, और एक जगह लिख देती वाइजर. ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में लिख देती मच वाइजर. और आपके दिमाग में आता कि यार ये दोनों तो करेक्ट है. ठीक है, 2 comparative एक साथ नहीं आता है, तो मैंने मोर हटा दिया, वाइजर किया. और अभी मैंने बोला कि वाइजर के साथ हम मोर तो नहीं लगा सकते हैं, बट मच लगा सकते हैं. सपोज आपके ऑप्शन में दोनों आ जाता, आपके ऑप्शन में अगर दोनों आ जाता तो किसको आप सेलेक्ट करते, किसको सेलेक्ट करते? सपोज वैसे तो ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है, किसको सेलेक्ट करते? देखो ये सेंटेंस में ना, सेंटेंस में ही इज वाइजर, ठीक है, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा वाइजर है. और नीचे वाले सेंटेंस में ना थोड़ा सा ज़्यादा एम्फोसिस डाल रहे हैं, ही इज मच वाइजर. वो चाहते हैं ना, तो वो चाहते तो सिर्फ वाइजर लगा के भी काम चला सकते थे, बट वो बोल रहे हैं ना मोर वाइजर, मतलब भाई से कुछ ज़्यादा ही है. यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं भाई से समझदार है बट कुछ ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा एम्फोसिस डाल रहे हैं. तो यहाँ पे हम मच वाइजर, वाइजर तो है लेकिन कुछ ज़्यादा ही है, तो हम मोर तो नहीं लगा सकते, मच लगा सकते. तो इसको चुनना. ग्रामेटिकली तो पहला वाला भी करेक्ट है, पहला वाला भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट यू इफ़ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू ना, मच वाला भी मोर वाइजर वाला, क्योंकि सेंटेंस में एम्फोसिस डाल रहा है, समझदार में भी कुछ ज़्यादा ही समझदार. गो फॉर दिस. ठीक है, हो गया मच वाइजर वाला. तो सेंटेंस में 2 comparative मत डालना,
यहाँ पे आप लगा सकते हो, वैसे वाइजर भी लगा सकते हो या मच वाइजर भी लगा सकते हो, यहाँ तो कुछ भी लगा के करेक्ट कर दोगे, बट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया ना तो आप वहां पे मच वाइजर कर, सचिन इज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क. मोर भी कंपेरेटिव है, मच भी कंपेरेटिव है, तो दो कंपेरेटिव एक साथ नहीं आएगा. या तो आप बेटर लिखो, बेटर अपने आप में कंपेरेटिव है, या तो आप चाहो ना तो मोर की जगह मच लगा दो, मच बेटर. नेक्स्ट, शी इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास. ठीक है, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और स्मार्टेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, और दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएगा. मोस्ट मत लगाना, शी इज द स्मार्टेस्ट. अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि मैम यहाँ तो आपने मच लगाया ना, क्या हम मच स्मार्टेस्ट लगा सकते हैं? नहीं, यहाँ तो आपने मोर हटा के मच स्मार्टेस्ट लगा दिया. हम मच के साथ कंपेरेटिव डिग्री तो लगा देते हैं, बट मच के साथ सुपरलेटिव नहीं लगाए, सिंपली स्मार्टेस्ट रखो. मच बेटर लगा देंगे, बट मच स्मार्टर भी लगा देंगे, बट मच स्मार्टेस्ट नहीं लगाएंगे. यहाँ पे सिंपली स्मार्टेस्ट रखना, सिंपली स्मार्टेस्ट रखना है. ओके, चलो नेक्स्ट. एक तो ये हो गया, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. यहाँ पे मोस्ट लगाने की जरूरत, मोस्ट हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मोस्ट स्मार्टेस्ट तो हटा देंगे क्योंकि दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, तो नहीं लगाएंगे. बट यहाँ तो एक ही सुपरलेटिव डिग्री है. दिस इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट, फटाफट. मोर बेटर नहीं होगा, मच बेटर हो सकता है, ये तो पढ़ा ही दिया. नेक्स्ट रूल में हमें ये देखना है ना, द वर्ड्स कंपेरेटिवली एंड रिलेटिवली टेक एडजेक्टिव्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट रूल क्या बताता है, हम कंपेरेटिवली से क्या करते हैं? आपके दिमाग में आएगा मैम कि हम कंपेरेटिवली से तो कंपेरिजन करते हैं, कंपेरेटिवली एडवर्ब है, उससे हम क्या करते हैं, कंपेरेटिवली से कंपेरिजन होता है. और मैथ्स में पढ़ते हो ना आप लोग, मैथ्स में रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, तो रिलेटिवली में भी क्या है, कंपेरिजन ही हो रहा है. यहाँ भी तो कंपैरिजन हो रहा है, रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स. तो आपके दिमाग में आएगा कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड जब कंपैरिजन कर ही रहा है तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आना चाहिए, बट कंपैरेटिव डिग्री का नहीं आता है, आता है पॉजिटिव डिग्री का. क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड, दिस टू वर्ड्स आर ऑलरेडी डूइंग द कंपैरिजन. ये दोनों शब्द जब ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है तो फिर से इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री मत लगाना, पॉजिटिव डिग्री लगाना. पॉजिटिव डिग्री, द वेदर इज कंपेरेटिवली. अब जरूरी नहीं है ना कि कंपेरिजन करने के लिए हमेशा दैन आएगा ही. अब बोलोगे मैम यहाँ तो कुछ कंपेरिजन नहीं हो रहा है, बट हो रहा है ना, इस वर्ड से कंपेरिजन हो रहा है. पहले की तुलना में वेदर ज़्यादा अच्छा है, तो ये कंपेरेटिवली वर्ड ऑलरेडी पहले से कंपेरिजन कर रहा है, तो फिर से कंपेरेटिव मत डालना. द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट. कंपेरेटिवली के बाद, रिलेटिवली के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री. अर्लियर जॉब अपॉर्चुनिटीज वर कंपेरेटिवली बेटर नहीं होगा, कंपेरेटिवली गुड, क्योंकि गुड पॉजिटिव डिग्री है. यस, बिकॉज दिस टू वर्ड्स आर ऑलरेडी डूइंग द कंपेरिजन ना, देन वाई टू यूज एन एडजेक्टिव ऑफ कंपेरेटिव डिग्री अगेन. अ फ्यू, द फ्यू तो पढ़ा दिया है लास्ट क्लास. ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं. बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अभी, बहुत सारे अच्छे अच्छे बैचेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी पढ़ाने का काम कर दिया, अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अनअकैडमी पे ही आ रहा है, कल से तो एक नया, मतलब दो दिन पहले से एक नया बैच हो गया है, एक स्पॉटिंग एरर का बैच शुरू हो गया है, नेक्स्ट मंथ में वोकैब का बैच आएगा और क्लोज टेस्ट का बैच आएगा. तो अभी बहुत सारे बैचेस आएगा 2023 को ध्यान में रखते हुए. मैम अमिस का सिनोनिम आया था CHSL में, अमिस का सिनोनिम आया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हमारे CHSL वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, हाँ CHSL वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आके बता रहे हैं कि मैम ये आया था. और चलो, और सबने अटेम्प्ट किया है भाई, सबने अच्छे से अटेम्प्ट किया है. सब बता रहे थे मैम ये आया था, नाडीर आया था. अमिस का मतलब है कोई भी चीज़ रॉन्ग, ओके, अनुचित. नाडीर आया था मैम, फिर बच्चों ने बताया था मैम मैग्नेनिमस आया था, ये तो यूट्यूब पर भी करवा दिया. फिर और भी कुछ कुछ बता रहे थे, इजी आया. तो दो कंपेरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हमारा जो भी एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहे. स्टूडेंट्स दे आर हैप्पी. नेक्स्ट वाला वोकैब का तो आई एम वेरी श्योर. ठीक है, वोकैब को लेके ना वेरी श्योर. इतना बुक पढ़ना, 10 बुक पढ़ के इतना, देखो होता क्या है ना, हर स्टूडेंट चाहता है कि हम कम
पढ़ के बहुत कुछ कर लें, मतलब कोई भी ना एकदम समंदर में डूबना नहीं चाहता है, सब समंदर से मंथन करके अमृत निकालने वाला वोकैब चाहिए, तो वोकैब में मैं इतना श्योर हूँ ना कि जो समंदर मंथन का बैच है उससे हट के कोई वर्ड नहीं आएगा। और समंदर मंथन का बैच करने के बाद हम लोगों ने ए टू जेड जो वोकैब का बैच किया, या तो जो बच्चा ए टू जेड वोकैब भी करके चला जाएगा उसका भी काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको समंदर में डूबने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा पढ़ के जाना है ना जहाँ से सब आ जाए। अगर एक अभी तक हमने तीन रूल किया, पहला रूल में मैंने क्या बताया कि सेंटेंस में दो कंपेरेटिव मत रखना, सेंटेंस में दो सुपरलेटिव नहीं रखना। दूसरे रूल में क्या बताया कि कंपेरेटिवली के बाद और रिलेटिवली के बाद कोई भी एडजेक्टिव आएगा उसको पॉजिटिव डिग्री रखना, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम कंपैरिजन से और रिलेटिवली से, कंपैरेटिवली से तो कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव आना चाहिए ना, फिर भी कंपैरेटिव ना आके पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये दो वर्ड पॉजिटिव, ये दो वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है उसके साथ पॉजिटिव ही आएगी। तीसरा यहाँ पैरेललिज्म वाला रूल है, ठीक है, सी यू ई टी के लिए भी यही बैच है भाई। पता नहीं सी यू ई टी में क्या बोलूँ, कौन सा अलग इंग्लिश आने वाला है। मैंने सी यू ई टी का पेपर देखा पिछले साल का, ठीक है, सी यू ई टी का जब पेपर देखा था ना तो उसमें मैं इंग्लिश देख रही थी और उसमें फिक्स प्रेपोजिशन देख रही थी, पिछले बार फिक्स प्रेपोजिशन आया, ऐसा कोई भी डायरेक्ट वही जो हम लोग की शीट में मैंने फिक्स प्रेपोजिशन का जो ई बुक दिया है ना उसमें डायरेक्ट वही क्वेश्चन है जो हमारे शीट में है, सेंटेंस भी नहीं बदला है, डायरेक्ट वही है। तो इतना ज़्यादा ना सी यू टी रॉकेट साइंस नहीं है, ओके, इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसी से काम हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। यहाँ पे पैरेललिज्म वाला रूल देखना है, अगर हमारा दो एडजेक्टिव या दो से आधा एडजेक्टिव, दो से ज़्यादा एडजेक्टिव एंड से जुड़ा है, या हमारा दो एडजेक्टिव और से जुड़ा है, तो दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, क्योंकि ये एंड एंड और क्या है, एंड एंड और दीज आर कंजंक्शंस, एंड कंजंक्शन इज़ अ वेरी वफादार टॉपिक, कंजंक्शन बहुत वफादार होता है। वो क्या करेगा ना, कंपेरेटिव डिग्री को कंपेरेटिव से जोड़ेगा, सुपरलेटिव को सुपरलेटिव से जोड़ेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेगा, पॉजिटिव को जोड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारा दो एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड एंड और, तो उसका डिग्री सेम होना चाहिए। सेंटेंस देखो, सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया, होगा यहाँ पे सेंटेंस, आवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर। ये बिग कौन सा डिग्री है, बिग इज पॉजिटिव डिग्री एंड क्लीनर इज कंपेरेटिव डिग्री, और ये एंड से जुड़ा है। व्हाट इज एंड, एंड इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन ना जब भी जोड़ेगा पॉजिटिव को पॉजिटिव से या तो कंपेरेटिव को कंपेरेटिव से, बट दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ एंड ना दो अलग अलग डिग्री को जोड़ रहा है, तो या तो हम दोनों को पॉजिटिव कर देंगे, ओके, इधर व्हाट वी हैव टू डू, दोनों को पॉजिटिव बना देना या दोनों को कंपेरेटिव बना देना, बट व्हाट डज द सेंटेंस डिमांड, सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है, सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है कि दोनों को कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, हमारा प्लेग्राउंड बड़ा और सुंदर मतलब साफ सुथरा है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना, तो हम दोनों को पॉजिटिव करेंगे, बिग एंड क्लीन होगा। बट यहाँ पे देखो अगेन ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री है, बट यहाँ हमारी मजबूरी है कि हमें कंपैरेटिव करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्लेग्राउंड की तुलना हो रही है उनके प्लेग्राउंड्स, तो यहाँ पे हमें दोनों को कंपेरेटिव करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ऊपर वाले में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, दोनों को पॉजिटिव रहो, ठीक है। शी इज ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल है, तो ये वाइजर क्या है, कंपेरेटिव, और कंपेरेटिव ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो दोनों को पॉजिटिव करना है या दोनों को कंपेरेटिव करना है, क्या करना है, उसकी तुलना उसकी सिस्टर से हो रही है ना, तो दोनों को कंपेरेटिव करो, वाइजर तो ऑलरेडी कंपेरेटिव है ही, ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव बना दो, मोर ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड वाइजर। मच ब्यूटीफुल क्यों करेंगे, हिमांशी सिंह राजपूत, मच क्यों करेंगे, मोर ब्यूटीफुल लगा दो ना, मोर ब्यूटीफुल। मेरी होली अच्छी थी, मैंने तो वैसे क्लास सब कल ही से स्टार्ट कर दिया था, यूट्यूब पे नहीं लिया था, अनअकैडमी पे तो सारी क्लास कर लिया था। मेरी होली ब्यूटीफुल थी, मेरी होली और भी ब्यूटीफुल हो जाएगी, आप लोग जिस दिन सेलेक्शन ले लोगे तो उस दिन फिर से एक होली होगी। चलो ये वाला हो गया, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये सब के ना साइकिल से बाहर निकलना है, सिर्फ पढ़ रहे हैं पता चला कि एरर ही नहीं बन रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। ही इज़ द काइंडेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर क्लास, ही इज द काइंडेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर क्लास। कल आपका लॉस हो गया है,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, पूरे साल यूट्यूब पे नहीं आएंगे, होली के दिन छुट्टी हो जाएगा ना, मैम होली के दिन छुट्टी दे दी, हमारा बहुत लॉस हो गया, दिवाली के दिन छुट्टी दे दी, पूरा लॉस हो गया, लेकिन पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, होली दिवाली में ही उनको उनका लॉस याद आता है। होते हैं कुछ न्यू ईयर के दिन पढ़ेंगे। हाँ, ही इज़ द काइंडेस्ट, हमारे क्लास का सबसे काइंडेस्ट और इंटेलिजेंट बॉय है, तो ये तो सुपरलेटिव है, और ये वाला पॉजिटिव हो गया है, और एंड से जुड़ा है, दोनों को सेम रखो ना, या तो दोनों को सुपरलेटिव करो या तो दोनों को पॉजिटिव करो, बट दोनों सुपरलेटिव जाएगा बिकॉज उसकी तुलना क्लास के सारे लड़कों के साथ हो रही है, तो दोनों को सुपरलेटिव रखो, इसको भी मोस्ट इंटेलिजेंट करके सुपरलेटिव करो, मोस्ट इंटेलिजेंट। हाँ हाँ मुझे पता है मेरा लॉस हो गया, तो होली के दिन भी आ गए थे सब पढ़ने, अन अकेडमी पे मैंने क्लास रीशेड्यूल नहीं कर पाई थी, होली के दिन सब आ गए, पढ़ना है बट इतना भी नहीं पढ़ना है कि होली के दिन भी आ रहे हैं। मोर काइंडेस्ट नहीं होगा, मोर काइंडेस्ट क्यों लगाओगे, काइंडेस्ट काइंड काइंडर काइंडेस्ट, काइंडेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, इंटेलिजेंट को सुपरलेटिव बनाओ, मोस्ट लगा, एक दिन में लॉस हो जाता है, सही बोला है, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द हैप्पीनेस ऑफ माई स्टूडेंट्स। सबका मेन्स भी बहुत अच्छा गया है, और सबका अभी तक CHSL में भी बच्चे हमारे खुश हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ेंगे उनका तो खराब ही जाए, ठीक है, मैं अभी हैप्पी हूँ, लेकिन मुझे आप पे अभी पूरा भरोसा नहीं है, जब की आ जाएगा ना और आपके अच्छे नंबर आएंगे तो मैं तो हैप्पीएस्ट हो जाऊंगी, अभी तो मैं हैप्पी हूँ। की आने दीजिए, सेट डाउन कर लिया है ना, लिख लिया, नेक्स्ट वाला। हाँ, अब तीसरा वाला, ये भी एग्जाम्स में भर भर के आता है, एग्जाम्स में भर भर के आता है, इसको लिख लो, एक साइड में एक जगह लिख के बता दे रही हूँ, ये हमारा एक और है कॉन्सेप्ट, जो भी पांचवा कुछ भी हो, चौथा पांचवा जो भी है, एज एज के बीच में हम एज एज से क्या करते हैं, एज एज से कंपैरिजन करते हैं, और सो एज से भी क्या करते हैं, सो एज से भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाया है कि एज एज से भी कंपैरिजन करते हैं और सो एज से भी कंपैरिजन करते हैं, और जनरली कंपैरिजन किसका होता है, हम किसका कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों से हम कंपैरिजन करते हैं, और हम कंपैरिजन करते हैं या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का, कंपैरिजन दोनों का होता है। मैंने लिखा ही इज एज फास्ट एज इज ब्रदर, या ही इज फास्ट, छोड़ो, ही इज एज क्विक एज इज ब्रदर, भाई की तरह क्विक है, तेजी से काम करता है, और फिर मैंने लिखा ही वॉक एज क्विकली एज इज ब्रदर। देखो एज एज से क्या होता है और सो एज से क्या होता है, दोनों से कंपेरिजन होता है, ठीक है, एज एज और सो एज से कंपेरिजन होता है, और हम कंपेरिजन या तो एडजेक्टिव का करते हैं या तो एडवर्ब का करते हैं, तो ये एज एज से कंपेरिजन हो रहा है, और यहाँ पे हमने कंपेरिजन एडजेक्टिव का किया है, और यहाँ पे हमने एज एज लगा के कंपेरिजन एडवर्ब का किया है, एडवर्ब का किया है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में ना ही का कंपेरिजन उसके भाई से हो रहा है, ठीक है, यहाँ दो व्यक्ति का कंपेरिजन हो रहा है, नाउन प्रोनाउन का कंपेरिजन हो रहा है, नाउन प्रोनाउन के कंपेरिजन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट यहाँ पे ही का कंपेरिजन उससे उसके भाई से नहीं हो रहा है, ही के वॉक करने का तरीका, उसका कंपेरिजन उसके भाई के वॉक करने के तरीके से हो रहा है, तो वर्ब्ड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ मैंने एडवर्ब का कंपैरिजन किया और यहाँ मैंने एडजेक्टिव का कंपैरिजन किया, ठीक है, यहाँ मैंने एडवर्ब का कंपैरिजन किया, यहाँ मैंने एडजेक्टिव का कंपैरिजन किया, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री लगाना चाहिए था ना, आपको लगाना चाहिए था, मतलब आपको ऐसा लगाना चाहिए था, ही इज़ एज क्विकर एज इज ब्रदर, आपको दिमाग में आ रहा हो कि क्विकर लगाना चाहिए था क्योंकि यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा है, बट नहीं, क्योंकि ये एज एज, जैसे मैंने कंपैरेटिवली और रिलेटिवली में बताया था ना कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है तो उसके साथ पॉजिटिव लगाओ, उसी तरह एज एज और सो एज, ये वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है ना, ये वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो इसके बीच का जो भी एडजेक्टिव आएगा, जो भी एडवर्ब आएगा, वो पॉजिटिव डिग्री रहेगा, because this these as and so as they are already doing the comparisons, then why to use a comparative degree again, to ye mujhe batana tha ki as ke beech mein jo bhi adjective aa gaya, jo bhi adverb aa gaya, that should be in positive degree, okay, positive degree rahega, okay, as faster as nahi hoga, as fast as better as nahi hoga, as good as, okay, they are, yes, if we have an adjective or an adverb
okay, between as and so as, they should always be in positive degree. The reason being ki this as and so as, they are already doing the comparison, then not to use comparative degree again, we have to use positive degree. Theek hai, to ek to ye ho gaya, ye wala ho gaya, as aur so as ke beech mein positive degree. Aur ek to ke saath, ye to main aapko adverb chapter mein bhi padhaungi, ye to ke baad bhi jo bhi adjective aa gaya na, maine likha he is too weaker, galat hai. ठीक है, he is too weaker, is too word, ये too adverb में पढ़ाऊंगी, ऐसे ये adverb है और adverb भी adjective की विशेषता बताता है और too के बाद अगर कोई भी adjective आता है ना, वो comparative नहीं होता है, positive. He is too weaker नहीं होगा, he is too weak. So as negative में, as positive, negative दोनों में. Okay, ये हो गया. अभी मैं बहुत सारे examples दूंगी. वैसे so के बाद भी, so भी adverb होता है, उसके बाद भी he is so smarter नहीं होगा. सो के बाद भी कंपैरेटिव सो स्मार्टर नहीं होगा, या सो के बाद भी ना कंपैरेटिव डिग्री लगाना, ये सो स्मार्ट लगाना, ये मत लगाना, स्मार्ट लगाना. उसी तरह वेरी के बाद भी पॉजिटिव लगाना. ठीक है, ही इज वेरी स्मार्टर नहीं होगा, ही इज वेरी स्मार्ट. ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में भर भर के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनफ से. ठीक है, पहले आप इसको लिखो. इनफ के बाद भी पॉजिटिव डिग्री आता है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी. कहने का मतलब ये है ना कि एज के बीच में, सो एज के बीच में, टी डबल ओ टू के बाद, वेरी के बाद, सो के बाद, कोई भी एडजेक्टिव आ गया ना, वो पॉजिटिव डिग्री रहेगा. ही इज एज गुड एज, ही इज सो गुड एज, ही इज टू बेटर नहीं होगा, ही इज टू गुड, ही इज वेरी गुड, ही इज सो गुड, मतलब ये सब के बाद हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री आए. ठीक है, अब इनफ वाला आपको बताती हूँ, इनफ वाले को अलग से करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग सेंटेंसेस करेंगे. पहले तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. ये देखो, ही इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर, और एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है, तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री मत लगाओ. एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री. ही इज नॉट सो टॉलर एज अ सिस्टर, सो एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर से कंपैरेटिव मत लगाओ. चौली, द बॉय इज टू वीकर टू डू द वर्क, यहाँ पे टू वीकर नहीं होगा, टू वीक. अभी इनफ वाला अलग से करेंगे. मेरा इंग्लिश बहुत लो है मैम, प्लीज़ कुछ करिए. मुझे कुछ नहीं करना है, करना आप ही को है. करना आप ही को है. ये हो गया. अब ये छोड़ो, अभी मैं इनफ वाला अलग से करवाऊंगी. ये जो इनफ है ना, ये टी डबल ओ टू एडवर्ब होता है. ठीक है, सो भी एडवर्ब होता है, वेरी भी एडवर्ब होता है. अभी हम लोग बात करेंगे इनफ से रिलेटेड. इनफ से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में अच्छे अच्छे वाले एरर्स आते हैं. इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी. ये इनफ वर्ड एडजेक्टिव का काम भी करता है, और कभी कभी ये वर्ड एडवर्ब का काम भी करता है, एडवर्ब का काम भी करता है. जैसे मैंने लिखा, ही हैज़ इनफ मनी, उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं. और फिर मैंने लिखा, ही इज़ स्मार्ट इनफ टू डू द वर्क, इस काम को करने के लिए ना वो काफ़ी स्मार्ट. हाँ, तो चलो बताओ मुझे पहला वाला इनफ क्या है, पहला सेंटेंस में इनफ क्या है. MTS कैसे क्रैक करना है बताऊंगी, MTS के लिए क्या क्या करना है. टू भी कर सकता है, ही इज टू बिजी, मतलब टू जो है ना, टू मच काम कर सकता है, टू मच स्नो. पहला वाला देखो, ये मनी क्या है, मनी नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव. इनफ ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव, बट शी इज़ ही इज स्मार्ट इनफ, ये स्मार्ट एडजेक्टिव है, और यहाँ का इनफ एडवर्ब है. क्योंकि जब मैं आपको एडवर्ब चैप्टर पढ़ाऊँगी ना, उसमें बताऊँगी, कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है. तो इनफ कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, इनफ कैन एक्ट एज एन एडवर्ब ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पर इनफ एडवर्ब है और यहाँ पर इनफ एडजेक्टिव है. अब इससे एरर क्या आता है, कि एरर क्या आता है कि जब इनफ एडवर्ब का काम करता है ना, तो उसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, होपफुली इसको लिख लिया होगा आपने. ठीक है, इनफ वर्ड जब एडवर्ब का काम करे, तो उसके बाद जो भी एडजेक्टिव आए ना, वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा. क्योंकि इनफ वर्ड एडवर्ब का काम करेगा, तभी तो उसके बाद, अगर इनफ वर्ड नाउन का इनफ वर्ड एडजेक्टिव का काम करेगा ना, तो उसके बाद तो नाउन आएगा. लेकिन इनफ वर्ड एडजेक्टिव का काम, इनफ वर्ड जब एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा, तो उसके साथ एक एडजेक्टिव आएगा, और वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, हमेशा पॉजिटिव. एक तो यहाँ से एरर आता है, और दूसरा वर्ड जब इनफ वर्ड एडवर्ब का काम करने लगे,
तो उसका पोजीशन हमेशा एडजेक्टिव के बाद रहेगा। तो इनफ से रिलेटेड आपको दो एरर याद करना है, एक तो ये एडजेक्टिव लेता है पॉजिटिव डिग्री का, और दूसरा इट इज़ यूज्ड आफ्टर, सॉरी इट इज़ यूज्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव, बिफोर एडजेक्टिव डाल के एरर दे रहे थे। अभी मैं बता रही हूँ, आफ्टर ये लिख लीजिए, ये एडजेक्टिव के बाद यूज, इसको लिखो। क्या क्या बोल रहे हैं कि मैम आप यूट्यूब पे ना फ्री क्लासेस लीजिए। अब क्या बोलूँ मैं, तो ये सब क्या है, इसके लिए आपने मुझे पैसे दिए हैं? आप यूट्यूब पे ना फ्री क्लासेस दीजिए, इसके लिए आपने कुछ पे किया है इस चैनल पे आने के लिए? अंकित चलो पहले लिखो, इनफ, इनफ वर्ड हमेशा एडजेक्टिव के, हाँ इनफ वर्ड जो है ना हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा, आफ्टर एन एडजेक्टिव, और इनफ वर्ड हमेशा कंपेरेटिव डिग्री लेगा। क्या बोलूँ मैं, इतने दिन से आपको फ्री पढ़ते हुए हो गया है। चैनल को कब स्टार्ट किया था, 2000 कब स्टार्ट किया था मैंने इस चैनल को, मैं खुद ही भूल गई हूँ। इज़ अ न्यू गाँव गाउन बेबी, कब की स्टार्ट किया था चैनल को, खुद ही भूल गई हूँ मैं। 2019 कितना, 17 वगैरह में किया था। चलो अब मैं इससे रिलेटेड आपको एरर्स दे रही हूँ। होली का हैंगओवर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ही इज इनफ, ही इज स्मार्टर इनफ to do the work. और दूसरा मैंने लिखा he is enough. ये वाला रूल जो मैं अभी बता रही हूँ ये लागू तभी होगा ना जब वाक्य में enough adverb का काम करेगा। he is noun का काम, sorry adjective का काम करेगा तब नहीं। he is enough smart to do the work. चलो बताओ कौन सा सही है दोनों सेंटेंस में ना। दिस रूल विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द कंडीशन बट व्हेन इनफ इन द सेंटेंस इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। यहाँ भी एडजेक्टिव है और यहाँ भी एडजेक्टिव है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? अच्छा उस टाइम पर आप 10th में थे, 2018 में स्टार्ट किया था ना, 18 के लास्ट में स्टार्ट किया था, और वीडियोज मैंने मतलब अच्छा सा फुल फ्लेजेड वीडियोज ना 19 में डालना शुरू किया था। उस समय तो YouTube पे नया नया आई थी मैं। बोथ द सेंटेंसेज आर रॉन्ग, बोथ द सेंटेंसेज आर रॉन्ग। द फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज इनफ के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आएगा ना तो दैट शुड बी इन पॉजिटिव डिग्री, दैट शुड बी इन पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड वाला में इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव तो लगा है, बट इनफ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा है बट इनफ वर्ड जो है एडजेक्टिव से पहले नहीं आता, एडजेक्टिव के बाद आता, तो यहाँ पे होगा ही इज स्मार्ट इनफ, इनफ स्मार्ट नहीं, ही इज स्मार्ट इनफ टू डू द वर्क। ओके ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला तो हमारे स्टूडेंट्स को पता ही चल गया, शी इज इनफ स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्ट इनफ भाई जो भी लिखवाया था, फिर से मत लिखने लगी है। और यहाँ पे स्मार्टर इनफ नहीं होगा, स्मार्ट इनफ, कंपेरेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ओके ठीक है नेक्स्ट आ जाओ। अब आ गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स। देखो एक होता है, पहले लिखने दो यहाँ पे, एक होता है कार्डिनल नंबर्स, मैथ्स में पढ़े होंगे ना कार्डिनल्स, एक होता है ऑर्डिनल्स और एक होता है मल्टीप्लीकेटिव्स। ठीक है कार्डिनल जैसे मैंने लिखा मैथ्स में आप वन कार्डिनल नंबर्स वन ऐसे लिखते हो ना 1 2 3, बट ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं 1 2 3, जिसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ये 1 2 3 भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। वन बॉय लिखा मैंने, वन बॉय वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे बॉय क्या है, बॉय नाउन है, कितना बॉय, वन, तो यहाँ वन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, 1 2 3 एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ओके 1 2 3 एडजेक्टिव का काम कर सकता है, तो कार्डिनल्स 1 2 3 होता है। ऑर्डिनल किसको बोलते हैं, ऑर्डिनल कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है फर्स्ट ऑर्डर में अरेंज करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब ऑर्डिनल्स, थर्ड फोर्थ, और ये भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। मैंने लिखा द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर क्या है, इसका लीड बदलना होगा, द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर क्या है, चैप्टर नाउन है, कौन सा चैप्टर, फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी एडजेक्टिव का ना चेंज करना होगा, ये भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, तो ऑर्डिनल्स हो गया। मल्टीप्लीकेटिव्स किसको बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव्स बोलते हैं सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल रूम, रूम क्या है नाउन, कैसा सिंगल, तो ये जो सिंगल डबल ट्रिपल भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। आपको लग रहा होगा कि ये सब क्यों लिख रहे हो मैम, सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रपल, ठीक है। कार्डिनल्स किसको बोलते हैं, 1 2 3 4,
ऑर्डिनल्स किसको बोलते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. मल्टीप्लीकेटिव्स बोलते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल. अगर सेंटेंस, और ये सारे एडजेक्टिव्स का काम करता है, अगर वाक्य में तीनों एडजेक्टिव एक साथ आ गया, ठीक है, तीनों एडजेक्टिव एक साथ आ जाता है ना वाक्य में, तो आपको उसका अरेंजमेंट देखना है. अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट इज OCM. OCM का मतलब है पहले आपको ऑर्डिनल लगाना होगा, ठीक है, फिर कार्डिनल लगाना होगा, फिर मल्टीप्लीकेटिव लगाना होगा. यस, OCM का रूल फॉलो करना होगा. ठीक है, ये लिख लिया है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल. तो अरेंजमेंट यहाँ पे चलो देख लेते हैं. यही वाला मैंने लिखा जो आपको बताया, अरेंजमेंट इज OCM. तो ये थ्री क्या है? थ्री कार्डिनल नंबर है, और ये फर्स्ट ऑर्डिनल है, और ये क्या है? मल्टीप्लीकेटिव. गलत है ना, OCOM नहीं आएगा, इट शुड बी OCM. OCM, ओ को पहले डालो, ओ को पहले ऑर्डिनल डालो. ऑर्डिनल में फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट थ्री सिंगल बेडरूम्स, सिंगल बेडरूम, सिंगल बेडरूम. यस, फर्स्ट थ्री सिंगल बेडरूम्स वर लार्ज इन साइज. हाँ, और मुझे ना एक आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन भी देना था. कल तो सैटरडे संडे है, यूट्यूब क्लास तो होता नहीं है कल. तो कल सैटरडे को एक बहुत अच्छा सा क्लास होने वाला है, दैट इज़ फ्री. पहले तो ये हमारे स्टूडेंट समझ लेंगे, ओके. एक बार स्टूडेंट्स को रिमाइंड कर दूँ, एक फ्री आपका दो क्लास होने वाला है कल सैटरडे को, ठीक है. सैटरडे को 11 बजे से होगा, और संडे को ये अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में होगा, ठीक है. इसीलिए मैंने बोला ना, टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उस क्लास का लिंक मैंने शेयर कर दिया, ठीक है. ये स्पेशल क्लास है, अन अकेडमी पे होगा. और इस क्लास के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ, खास बात क्या है, ये अन अकेडमी पे होगा, ठीक है. अन अकेडमी पे जो मैं सैटरडे संडे को फ्री क्लास लेती हूँ उसमें होगा, और संडे को 12:30 बजे, दोपहर को 12:30 बजे, और कल सुबह 11 बजे. इस क्लास के बारे में मैं कुछ औसम वोकैब्स करवाऊंगी, ठीक है. ऑसम वोकैब का टेस्ट होगा, और इसमें ऑसम बहुत शानदार एरर्स का टेस्ट होने वाला है. इस बैच के बारे में खास बात क्या है, इसमें जो हमारे थ्री विनर्स होंगे, थ्री लकी विनर्स होंगे कल वाले क्लास में, उसको अमेजोन का वाउचर मिलने वाला है, ठीक है. अमेजोन का वाउचर मिलने वाला है. और संडे को जो क्लास होने वाली है ना, उसमें जो 5 लकी विनर्स होंगे, ठीक है, उनको अन अकेडमी की तरफ से बुक्स मिलने वाला है. और ये बुक्स एक ही सब्जेक्ट का नहीं है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सबका मिलेगा. तो संडे वाला क्लास को ज्वाइन कर लेना, ये फ्री है, ठीक है. सारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हमारे, मैंने टेलीग्राम पे सारा डिटेल डाल दिया है. संडे वाले क्लास में 5 लकी विनर्स को अन अकेडमी की तरफ से फ्री बुक्स मिलेगा, और कल वाले जो 3 विनर्स होंगे ना, उनको अमेजोन का वाउचर मिलने वाला, ठीक है. अमेजोन का वाउचर तो कर लेना, मैंने टेलीग्राम पे लिंक वगैरह शेयर कर दिया. अब आ जाओ, द टू फर्स्ट रोज वर प्रॉपरली अरेंज्ड. तो ये टू क्या है? CO है ना, CO नहीं होगा ना, OC होगा, फर्स्ट टू. और अन अकेडमी का एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, आज तक अन अकेडमी ने 40% डिस्काउंट का ऑफर नहीं दिया है, ओके. कल से होली के नेक्स्ट डे से इनका 40%, अभी तक ना मैक्सिमम 30% डिस्काउंट चल रहा, तो अभी 40% डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हो. हाँ, पोल के साथ होगा, पोल के साथ होगा, स्पेशल क्लास तो पोल में ही होता है ना. अमेजोन के वाउचर में 2500, 2000, 1000 ऐसा कुछ कुछ वाउचर देंगे, ये तो मेरे को भी नहीं पता. पोल होगा, लेकिन वाउचर से ज़्यादा तो मुझे अच्छा लग रहा है आपका बुक्स, जो संडे को बुक्स देने का सोचा. तो OCM याद रखना, ठीक है, फर्स्ट टू होगा, टू फर्स्ट नहीं. अब एंड करना होगा क्योंकि आज मेरी क्लास भी है, अभी 12:30 बजे से नया बैच जो शुरू हुआ है वो है. चलो अब मुझे बताओ, मैंने 3 सेंटेंस लिखा, ये इस बार के, इस बार नहीं, पिछले बार के मेंस में आया है, ठीक है. ये मैं अभी रुको, मैं अपना लिखती हूँ, लिखूँगी ना तभी समझ में आएगा. मैंने लिखा पॉइंट टू बी नोटेड, इसको करके क्लास ख़त्म करूँगा. He is as wise, if not wiser. ये आता है एग्जाम में बहुत बार, if not wiser than his brother. और दूसरा सेंटेंस लिखा, एग्जाम का फेवरेट, नीचे वाला सेकेंड वाला तो आया है इस बार, बट SSC ने आंसर रॉन्ग दिया था. He is as wiser as if not wiser than his brother. Okay. और तीसरा, he is
more wiser. अच्छा he is as wise as, if not more wiser than his brother. चलो मेरे को बताओ कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. तीनों सेंटेंस रॉन्ग है. पहला सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है ना, कभी भी कंपैरिजन एक एस से नहीं होता, कंपैरिजन के लिए दो एस चाहिए. सेंटेंस बता रहा है भाई की तरह समझदार है, अगर उससे ज़्यादा समझदार नहीं है बट फिर भी भाई की तरह समझदार है, तो उसका कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है ना, तो एक एस से कंपैरिजन नहीं होता है, यहाँ पे एक एस चाहिए. ही इज़ एज वाइज एज, भाई की तरह वाइज है बट उससे ज़्यादा नहीं. सेकेंड वाला रॉन्ग क्यों है, क्योंकि एज एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया दैट शुड बी इन पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव. और लास्ट वाला रॉन्ग क्यों है, ये तो सही है, दो एस चाहिए कंपैरिजन के लिए और बीच में पॉजिटिव डिग्री भी चाहिए, यहाँ पे एरर है. मोर भी कंपैरेटिव है, वाइजर भी कंपैरेटिव है. स्टार्ट किया जाए एडजेक्टिव का, हमने दो तीन क्लास हम लोग का हो गया है. अब आ जाओ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है. तो पहले तो मैं इसको लिख के समझाती हूँ आपको. जब भी हम कंपैरिजन किसका करते हैं, हम कंपैरिजन या तो एडजेक्टिव का करते हैं या तो हम कंपैरिजन एडवर्ब का करते हैं. हम दो ही चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, या तो एडजेक्टिव का करते हैं या तो कंपैरिजन हम एडवर्ब का करते हैं. ठीक है, तो जब भी कंपैरिजन होता है ना, तो कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी में होता है. ओके, कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी में क्या है, साउंड ठीक है ना, साउंड ठीक है, एक मिनट, साउंड ठीक है, सेम कैटेगरी में होगा. मैंने लिखा शिमला इज बेटर देन दिल्ली. तो ये सेंटेंस करेक्ट है. ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है. लेकिन दूसरा अगर मैंने लिखा द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली, ये वाला सेंटेंस गलत है. ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस गलत है, ऊपर वाले सेंटेंस करेक्ट है. बिकॉज ऑलवेज जो जब भी कंपैरिजन होता है ना, तो कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी का होगा. जगह का कंपैरिजन जगह से होगा, क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से होगा. ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट इसलिए है क्योंकि शिमला भी एक प्लेस है और दिल्ली भी एक प्लेस है. तो ऊपर वाला सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज यहाँ वी आर कंपेयरिंग प्लेस टू प्लेस, प्लेस का कंपेरिजन प्लेस से हो रहा है. बट यहाँ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज हियर वी आर कंपेयरिंग, शिमला को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं द क्लाइमेट, शिमला के क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली से. तो क्लाइमेट और प्लेस दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है. हम क्लाइमेट का कंपेरिजन कहाँ, क्लाइमेट से करेंगे, प्लेस का कंपेरिजन प्लेस से करेंगे. तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ क्लाइमेट का कंपेरिजन प्लेस से हो रहा है बट ऊपर वाले में प्लेस का प्लेस से हो रहा है, तो वो करेक्ट है. तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. ठीक है, दिस सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज ऊपर वाले में तो क्लाइमेट और प्लेस का हो रहा था बट यहाँ पे कंपेरिजन शिमला के मौसम का, क्लाइमेट का कंपेरिजन हो रहा है दिल्ली के, इंडिया लिख दिया ना, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली के क्लाइमेट्स. ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया. लेकिन एग्जाम्स में एरर कैसे आता है कि बार बार क्लाइमेट क्लाइमेट ना रिपीट हो. द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. बार बार क्लाइमेट ना रिपीट हो. क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट नाउन है. नाउन बार बार रिपीट ना हो ना, तो हम उसके जगह प्रोनाउन डाल देते हैं. तो हम इस क्लाइमेट नाउन है ना, इसके जगह एक प्रोनाउन डाल सकते हैं, क्या, देन दैट ऑफ, क्योंकि क्लाइमेट नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग के साथ दैट लगा दें तो ये भी करेक्ट. ओके, ये भी करेक्ट है. ओके, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन द क्लाइमेट भी लगाओगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है. बट नाउन बार बार रिपीट होता है तो सेंटेंस थोड़ा सा बोलने में अटपटा लगता है. तो नाउन हटाएंगे तो उसके बदले प्रोनाउन डाल दीजिए. क्लाइमेट नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ दैट लगा दीजिए. देन दैट ऑफ दिल्ली. दैट ऑफ दिल्ली मैंने किसके लिए लगाया, ये क्लाइमेट ऑफ के लिए लगाया. क्लाइमेट नाउन है, इसी के बदले
दैट ऑफ लगा दिया, ठीक है, हो गया ये. अभी अभी को ना ब्लॉक करना होगा, अभी नहीं शांत हो गए ना सोनू कुमार, अभी आप शांत नहीं होगे तो अभी तुरंत ब्लॉक हो जाओगे आप. अननेसेसरी ना स्पैम मत करिए, अगर आपको बेसिक से देखना है ना तो इस बैच को शुरू से करिए, ठीक है. ये भी करेक्ट है, हम सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट ऑफ भी लगा के लिख सकते हैं, हम सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट ऑफ तो लगा ही दिया, चलो इसको हटाती हूँ. हम सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन. हम दिल्लीज भी लगा देंगे, वो भी रॉन्ग नहीं है. दिल्लीज, दिल्लीज मतलब दिल्ली का क्लाइमेट. हम अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन बताता है, जब भी ऑफ हटाते हैं ना तो उसके जगह अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. जैसे जैसे मैं लिखती ना द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो ऑफ हटाया तो मैंने दिल्लीज लगा दिया, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. ये भी करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच जाइए ना, इसी प्ले लिस्ट में मिलेगा इम्प्लॉयज, इसी बैच के सबसे पहला क्लास पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, इसी बैच का सबसे पहला क्लास आप देखना, उसका प्लेलिस्ट में जाके पार्ट ऑफ स्पीच डाला हुआ है. ये भी करेक्ट है, हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली, क्लाइमेट की जगह प्रोनाउन लगा दिया, और द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन दिल्लीज, दिल्लीज का मतलब भी है दिल्ली का क्लाइमेट, अपोस्ट्रोफी लगा दी, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, तीनों करेक्ट है, हाँ तीनों करेक्ट है. अब आ जाओ, चलो यहीं से क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ. यही वाला क्वेश्चन है, शिमला इज बेटर देन दिल्ली, तो ये वाला तो करेक्ट है ना, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे शिमला का कंपैरिजन हो रहा है इससे दिल्ली से, शिमला भी जगह दिल्ली भी जगह. अब हम कोलगेट का कंपैरिजन सर्फ एक्सेल से नहीं करोगे ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है. चाय का कंपैरिजन कॉफ़ी से कर सकते हो, चाय का कंपैरिजन कोल्ड ड्रिंक से कर सकते हो, बट चाय का कंपैरिजन कोलगेट से नहीं करोगे ना, सिमिलर से करेंगे हम, प्लेस का कंपैरिजन प्लेस से. अब ये वाला सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली, बट यहाँ तो दिल्ली जगह है, बट हम बात कर रहे हैं शिमला का, दिल्ली से कंपैरिजन नहीं हो रहा, शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली से हो रहा है, तो गलत है, हमें दिल्ली के क्लाइमेट से करना है. तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन देन दिल्लीज भी कर सकते हो, देन दिल्लीज भी कर सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली भी कर सकते हो. जब ऑफ लगा रहे हो ना, ऑफ लगा रहे हो तो अपोस्ट्रोफी मत लगाना, ऑफ हटेगा तभी अपोस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट वाला देखो, अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखती, एक बार मुझे नेक्स्ट वाला कंपैरिजन करने दो, यहाँ पे मैं ऐसा लिखती, डेंगू डेंगू इज सिमिलर टू मलेरिया. डेंगू एक बीमारी है, डेंगू मलेरिया की तरह होता है, डेंगू एक बीमारी है, डिजीज है, और मलेरिया भी एक डिजीज है. तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है ना, यहाँ हम डेंगू का कंपैरिजन मलेरिया से नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं डेंगू के लक्षण, डेंगू के सिम्टम्स का कंपैरिजन हमें करना है मलेरिया से नहीं, हमें करना है मलेरिया के लक्षण से. ओके, सिम्टम का कंपैरिजन सिम्टम से हो रहा है, ओके, सिम्टम का कंपैरिजन सिम्टम से होगा. तो चलो बताओ कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, बताना कैसे करोगे. डेंगू का यहाँ तो ठीक है, डेंगू का कंपैरिजन मलेरिया से किया जा रहा है, बट हमें करना है डेंगू के सिम्टम्स का कंपैरिजन मलेरिया के सिम्टम से. तो चलो बता दो कैसे होगा. हाँ, सिमिलर टू, देखो इस सेंटेंस को ऐसा भी हम लिख सकते हैं, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू, ठीक है, आर सिमिलर टू द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया. तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, डेंगू के सिम्टम का कंपैरिजन हो रहा है मलेरिया के सिम्टम्स से, लेकिन सिम्टम्स बार बार रिपीट नहीं होना, तो उसकी जगह क्या लगा दोगे, आर सिमिलर टू दैट ऑफ मत लगाना, दोज ऑफ लगाना. मैंने दोज क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ तो क्लाइमेट था, क्लाइमेट सिंगुलर था, तो मैंने क्लाइमेट के लिए दैट लगाया, बट दैट यहाँ तो सिम्टम्स प्लूरल है ना, और कोई प्लूरल नाउन है तो उसकी जगह कोई प्लूरल प्रोनाउन ही लगाओगे ना, दोज को प्लूरल कर लो, दोज ऑफ दैट ऑफ नहीं लगाना, दोज ऑफ लगाना, क्योंकि प्लूरल आ गया. या आप मलेरियाज भी कर सकते हैं, द सिम्टम ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू दैट ऑफ सिमिलर टू मलेरियाज, मलेरियाज भी लगा सकते हैं.
सिम्टम्स भी लगा सकते, ठीक है? और एक दो एग्जांपल्स, द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर बेटर देन दिल्ली. तो यहाँ रोड चंडीगढ़ का कंपैरिजन दिल्ली से नहीं हो रहा है, चंडीगढ़ का रोड का कंपैरिजन दिल्ली से हो रहा है. और रोड्स प्लूरल है तो लगा दो आर सिमिलर आर बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली. दोज ऑफ दिल्ली का मतलब क्या है? बेटर देन द रोड्स ऑफ दिल्ली, या दिल्लीज भी कर सकते हो, दिल्लीज भी कर सकते हो. द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका. यहाँ जापान का कंपेरिजन अमेरिका से नहीं हो रहा है, जापान के लोगों का कंपेरिजन हो रहा है अमेरिका के लोगों से. और लोग तो प्लूरल है ना, तो लगा दो देन द पीपल ऑफ अमेरिका या दोज ऑफ अमेरिका. दूसरा, हाँ अब ये वाला मेरे को अलग से समझाना है, इतना पहले लिखिए, इसको अलग से समझाना होगा. बहुत कॉमन सा एरर है जो हर एग्जाम्स का फेवरेट होता है. दिल्लीज भी लगा सकते हो. सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट. हाँ अब हमें ना थोड़ा सा ये वाला अच्छे से समझना है. ये भी एरर आता है, जब मैं लिखती हूँ ना तो आप लोग भी लिखते जाओ, उससे क्या होगा, अभी टाइम बचेगा, कमेंट्स मत करना, क्योंकि तो फिर आप लोग बोलते हो ना कि मैम बैक स्लाइड कर दो. जब मैं लिखती हूँ तो आप लोग लिखो नोट. नेस्केफे, नेस्केफे इज बेटर देन एनी कॉफी. बहुत ज्यादा दिल से मत ले लेना, मैम आपको तो नेस्केफे पसंद है, मेरे को तो ब्रू अच्छा लगता है, ये वो, बट दिस इज जस्ट अ सेंटेंस. नेस्केफे इज बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट. दूसरा लिखा मैंने गोल्ड. ये सेंटेंस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी मेटल. यहीं पे सब लिख दे रही हूँ, लिखते जाओ. फिर तीसरा लिखा मैंने गोल्ड इज प्रेशियस देन ऑल मेटल्स. फिर लिखा गोल्ड इज प्रेशियस. इन तीनों सेंटेंस को मेरे को कंपेयर करना है. गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स. नो गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज प्रिया. तीनों सेंटेंस को लिखिए और फिर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ओके? हाँ नहीं, पहले आप लिखो, पहले आप लिखो, बीच में आंसर नहीं देना है, उसको लिखते जाइए. क्यों रॉन्ग है, रट लिया जाता है कि मैम ऐसे वाले सेंटेंस में ना अदर लगा दिया जाता है, हर जगह अदर नहीं लगाया जाता. सेंटेंस देखो, नेस्केफे इज बेटर दैन एनी कॉफी इन द मार्केट. जब भी सेंटेंस में दैन आ गया, जब भी वाक्य में दैन आ जाता है ना, तो दो कैटेगरी बन जाता है, दो कैटेगरी. देखो यहाँ भी दैन आया है, यहाँ भी दैन आया है, ठीक है? यहाँ भी दैन आया है, यहाँ पे कंपैरिजन मैंने दैन 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 लगा के किया है, बट यहाँ ऑफ लगा के किया है. तो यहाँ पे एक साइड में कौन सा है, एक साइड में नेस्केफे है, एक साइड में नेस्केफे है, एक ग्रुप में नेस्केफे है, और दूसरा ग्रुप में है दैन एनी कॉफी. यहाँ पे एनी कॉफी, और इस एनी कॉफी का मतलब क्या है? एनी कॉफी का मतलब होता है कोई भी कॉफी. एनी कॉफी इन द मार्केट का मतलब है मार्केट का कोई भी कॉफी, और मार्केट के कोई भी कॉफी में नेस्केफे भी तो आ जाएगा, ठीक है? एनी कॉफी में नेस्केफे भी तो आ जाएगा, बट हमें नेस्केफे को एक साइड रखना है और बाकी सारे मार्केट के कॉफी को एक साइड रखना है. तब हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे अदर वर्ड लगाना होगा, तब जाके अदर लगा देंगे ना, तो एक साइड में नेस्केफे हो जाएगा, एक साइड में बाकी के सारे कॉफी हो जाएंगे. तो अब सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, नेस्केफे इज बेटर देन नेस्केफे एनी अदर कॉफी, मतलब एनी अदर कॉफी, दूसरा कोई कॉफी नेस्केफे को छोड़कर, ठीक है? दूसरा कोई नेस्केफे है ना, बाकी सारे कॉफी में से नेस्केफे सबसे अच्छा है. अदर लगाना, अदर 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 लगा लेंगे, ओके? नहीं, अब नेक्स्ट वाला आ जाओ. गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी मेटल. अब एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में बाकी के सारे मेटल है, तो एनी मेटल में गोल्ड भी तो आ जाएगा, और यहाँ पे अदर लगा देंगे. यहाँ भी है, यहाँ भी देखो, बस यहाँ भी देखो, गोल्ड एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में ऑल मेटल्स है, और ऑल मेटल्स में गोल्ड भी तो आ जाएगा, यहाँ भी अदर लगाओ.
यहाँ भी अदर लगा दो, जहाँ भी दैन लगा के कंपैरिजन होता है ना, तो वहाँ दो कैटेगरी बनता है, एक साइड में ये और एक साइड में ये, तो इसको इससे अलग करने के लिए ना हर जगह अदर लगाओगे, लेकिन ध्यान दे रहे होगे कि अगर एनी है, एनी के साथ अदर लग रहा है ना तो सिंगुलर लगता है, एनी अदर मेटल, ठीक है, एनी के साथ अदर लगा है तो मेटल, लेकिन अगर ऑल है, ऑल अदर लगा है तो वहाँ पे देख रहे होगे मेटल्स लगा है, प्लूरल, ऑल के साथ हमें प्लूरल लगाना है, एनी के साथ सिंगुलर लगाना है, ओके हाँ। अब नेक्स्ट वाला देखो, अब क्या करेंगे ना, गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स, अब यहाँ भी बच्चे अदर लगाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ बिना अदर का करेक्ट है, यहाँ बिना अदर का करेक्ट है। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में ना सब जगह दैन लगा है, दैन लगा लगा के दो कैटेगरीज बनाया गया है, लेकिन ये वाले सेंटेंस में क्या है ना, गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स, यहाँ एक ही कैटेगरी है और इसी में बहुत सारे मेटल्स है, इसमें से बहुमूल्य मेटल गोल्ड है, तो यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत है ही नहीं, एक ही अदर तब लगाते हैं जब दो कैटेगरी है, और दो कैटेगरी कब बनाया जाता है, जब दैन लगाओ, दैन मतलब एक इस साइड एक एक साइड, और यहाँ गोल्ड उन सारे मेटल्स में से प्रेशियस है, एक ही कैटेगरी है, इसी में से बहुत सारे मेटल है उसमें से गोल्ड है, यहाँ अदर मत लगाना, अदर हाँ एनी अदर के साथ सिंगुलर लगाना, ऑल अदर के साथ प्लूरल, यहाँ मत लगाना, ऐसा नहीं है आग बंद करके अदर लगा दिया सब जगह, ऑफ एनी ऑल मेटल्स थोड़ी हो, ऑल अदर मेटल्स, नो गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज प्रिया, तो यहाँ पे एक साइड में कौन है, एक साइड में प्रिया है और एक साइड में नो गर्ल है, नो गर्ल इन द क्लास, नो गर्ल में प्रिया भी तो आ जाएगी, बट हमें प्रिया को अलग करना है, नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल मतलब प्रिया को छोड़कर दूसरी कोई अन्य गर्ल इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहाँ पे अदर लगाओ, कुछ कुछ ना कमेंट बॉक्स में देख रही है, बात करने में बिजी है, ये सब ध्यान नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा वैकेंसीज आया हुआ है, ये दो साल भर भर के वैकेंसीज आए हैं, इसी में हमें एग्ज़ाम निकाल लेना है, उसके बाद क्या पता फिर आए ना आए, इतना कमेंट पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, बस पढ़िए और फटाफट पढ़िए, बैच खत्म करिए, प्रैक्टिस में आइए और सिलेक्शन लीजिए, कुछ तो कमेंट में बिजी है, नो अदर गर्ल्स नहीं होगा, नो अदर, नो अदर के साथ सिंगुलर हो गया, ये वाला लिख लिया होगा स्टूडेंट ने, यही चीज़ इसमें था, ठीक है, ये जो मैंने पूरा लिखा ना यही वाला था, इसमें से एक एग्जाम्पल नहीं था, आप इसको उतार सकते हो, बस एक एग्जाम्पल उतार, द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर, अब मुझे बताओ, अब आपको लगेगा कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है ना, एनी अदर, तो एक साइड में हिंदू न्यूज़पेपर है और एक साइड में एनी अदर है, तो यहाँ तो एनी अदर लगा, अगर एनी होता ना, एनी न्यूज़पेपर होता तो वो गलत होता, एनी न्यूज़पेपर मतलब कोई भी दूसरा न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर में तो हिंदू भी आ जाएगा, तो यहाँ पे वो गलत होता, लेकिन यहाँ तो अदर लगा दिया है इन्होंने, अदर लगा दिया है तो ये तो सही है, एनी अदर, अब बताओ कि एरर कहाँ पे, एरर कहाँ पे है, अदर कहाँ पे, मतलब एरर कहाँ पे है बताइए, सेंटेंस पे ठीक है अदर लगा हुआ है, अदर होना भी चाहिए, एनी अदर न्यूज़पेपर मतलब हिंदू को छोड़ के, लेकिन गड़बड़ कहीं और पे, नो एरर नहीं है, एरर है, यस वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे कंपैरिजन ना हिंदू का कंपैरिजन न्यूज़पेपर से नहीं हो रहा है, यहाँ पे हिंदू का सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन का कंपैरिजन हो रहा है, दूसरे न्यूज़पेपर से नहीं, दूसरे न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन से, तो यहाँ पे देन डैट ऑफ होगा, डैट ऑफ अदर न्यूज़पेपर, डैट ऑफ अदर न्यूज़पेपर मतलब द सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, गुड गुड, चलो ये वाला तो आपका हो गया, हाँ। अब एक बहुत अच्छा सा और खूबसूरत सा रूल है कि जनरली हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं ना, तो दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए ईआर लगाते हैं, जनरली कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या लगाते हैं, हम ईआर लगाते हैं, जैसे स्मार्ट का स्मार्टर बनाते हैं, वाइज का वाइजर बनाते हैं, पुअर का पुअरर बनाते हैं, ठीक है, जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर लगाते हैं, बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जिसका ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है, तो हम वहाँ क्या लगा के बना रहे थे, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है, तो हम मोर लगा के बनाते हैं, जिसका ईआर लगा के नहीं बनता है ना उसका हम मोर लगा के बनाते हैं, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो ईआर लगाइए या तो मोर लगा के बनाइए, ठीक है, जैसे मैं मोर हैवी नहीं लिखूंगी, हैवी का हैवियर बनता है, ठीक है, हैवी का कंपैरेटिव डिग्री हैवियर बनता ही है, तो मोर हैवी लगाने की जरूरत नहीं, बट एक ऐसा कंडीशन होता है ना जहाँ पे वी कैन मेक द कंपैरेटिव डिग्री बाय यूजिंग ईआर, बट स्टिल वी यूज मोर, ओके,
कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जहाँ पे हम ईआर लगा के कंपेरेटिव डिग्री बना सकते हैं, बट फिर भी हम वहाँ पे मोर लगाते हैं। ऐसा कब? ऐसा तब होता है जब एक ही पर्सन का या एक ही चीज़ का उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपैरिजन हो रहा है। जब पर्सन एक हो और क्वालिटीज दो, एक ही पर्सन का उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपैरिजन हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ ना, वो सुंदर से ज़्यादा स्मार्ट है, तो उसकी स्मार्टनेस और सुंदरता का कंपैरिजन हो रहा है। पर्सन तो एक ही है, क्वालिटीज दो है। तो ये लिखा है मैंने, इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग आर कंपेयर, तो दैट केस में ईआर लगा के नहीं बनाते, मोर लगा के बनाते। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखना, शी इज स्मार्टर, स्मार्ट का स्मार्टर बनता है, स्मार्ट का कंपेरेटिव स्मार्टर बनता है, हम स्मार्टर लगाते भी है, बट कहीं कहीं हमारी मजबूरी होती है ना कि हम वहां पे ईआर ना लगा के मोर लगाएं। ऐसा कब? जब पर्सन एक हो और क्वालिटीज दो, उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपेरिजन हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो, शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, यहाँ पे एक ही क्वालिटी है और पर्सन दो है, एक पर्सन नहीं है यहाँ पे, देयर इज वन पर्सन। शी का कंपैरिजन उसके सिस्टर से हो रहा है, शी का कंपैरिजन उसके सिस्टर से हो रहा है, दो अलग अलग लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर तो ईआर लगेगा, ईआर लगेगा। बट नीचे वाले सेंटेंस में देखो, क्वालिटी दो है, यहाँ पे बोला गया शी का कंपैरिजन किसी और पर्सन से नहीं हो रहा, शी का कंपैरिजन उन्हीं के दो क्वालिटीज में हो रहा है। शी जो है वो सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है, तो यहाँ पे क्वालिटीज दो है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्मार्टर का ईआर लगा के बनता है, बट फिर भी हम मोर लगाएं। जिन एडजेक्टिव्स का ईआर लगा के बनाया जा सकता है, बट फिर भी हम मोर लगाते हैं, ऐसा कब? एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो गुण से, उन्हीं के दो क्वालिटी से कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है, यस। इतना हल्ला करते हो ना, लेकिन सिंस मैंने कमिट कर दिया था, इतना हल्ला मचाते हो, ए टू जेड बैच मैम लेके आइए, ए टू जेड बैच लेके आइए, लेके आइए, और लास्ट में ना इतना ज़्यादा आप लोग थक जाते हो ए टू जेड ग्रामर का, क्योंकि मैंने इस बैच को ना, मेरे को तो पता है कि जितना एनर्जी से मैंने स्टार्ट किया था, उतने एनर्जी से मुझे इसको एंड भी करना है, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया। एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया बहुत सारे बच्चों का, जो लास्ट तक टिके हुए रहते हैं वही मेरा सिलेक्शन वाला स्टूडेंट, सिलेक्शन वाले बच्चे वही है। शी इज़ मोर स्मार्ट देन ब्यूटिफुल। आप लोग को ना यूट्यूब पे क्या चाहिए, मैंने ये चीज़ फील किया कि आपको यूट्यूब पे हर दिन अलग अलग कॉन्टेंट चाहिए, और इसी मजबूरी में ना टीचर को भी वैसे ही कुछ करना चाहते। आपको ना 10 दिन तक वो कैब चाहिए, फिर आपका मन वो कैब से भर जाता, फिर आपको ग्रामर चाहिए, फिर 10 दिन बाद ना आपको फिलअप्स चाहिए, अरे ये फ्रेजल वर्ब चाहिए। उसी चक्कर में टीचर क्या करते हैं ना, टीचर का भी एनर्जी खत्म हो जाता है, और टीचर अपना पूरा कोर्स ही यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं आप लोग की डिमांड की वजह से, ये लाओ वो लाओ ये लाओ, और कभी भी आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है। ठीक है, कभी भी आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है यूट्यूब पे, तो लेकिन क्या करना है, ठीक है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि ए टू जेड ग्रामर, ए टू जेड वोकैब, ए टू जेड क्लोज टेस्ट छोड़ के जाना है इस चैनल पे, ताकि जब भी बच्चा आए ना उसको प्रॉब्लम ना हो, जो बच्चे पे नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं। शी इज ब्रेवर देन इज ब्रदर, ये तो सही है, वो अपने भाई से ज़्यादा बहादुर है। यहाँ दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, ये दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ तो ईआर लगेगा, बट यहाँ पे वो समझदार से ज़्यादा बहादुर है, तो यहाँ एक ही व्यक्ति के उन्हीं के दो गुण में कंपैरिजन हो, मोर ब्रेव, मोर ब्रेव, मोर ब्रेव, यस। अरे लिटरेचर इज हाउ मच, यूपीएससी में लिटरेचर, अगर आपने ऑप्शनल में कुछ लिटरेचर वगैरह लिया है तो वहां पे हेल्प करेगा ना, अगर आपका ऑप्शनल लिटरेचर नहीं है तो वहां लिटरेचर का क्या काम है, ग्रामर का है। ए टू जेड बैच को ना मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको पूरा खत्म ही करूंगी, कल से एडवर्ब स्टार्ट करूंगी, फाइनली इस बैच को खत्म कर लेना, ताकि मैं भी तो प्राउडली बोल पाऊँ ना, मैंने पूरा डिटेल ए टू जेड बैच यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। ठीक है, पूरा ए टू जेड ग्रामर भी पढ़ा दिया है, तो इसको खत्म कर लेना, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाला, शी गेव मी नोट है, उस टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो सिस्टर क्या है, सिस्टर इज नाउन, सिस्टर इज नाउन, और आपको लगेगा ना कि अरे एल वाई लगा है, एल वाई लगा है तो जरूर ये एडवर्ब होगा, नहीं नहीं कभी कभी एल वाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं। नाउन में एल वाई लग गया, याद रखना है कि एल वाई वाले वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं और एल वाई से ख़त्म होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं। कैसे डिसाइड करोगे, अगर नाउन में एल वाई लग गया तो एडजेक्टिव हो गया, अगर एडजेक्टिव में एल वाई लग गया तो वो एडवर्ब बन गया। तो सिस्टर तो नाउन है और यहाँ नाउन में एल वाई लगा है तो ये एडजेक्टिव है, उसने मुझे बहन की तरह ट्रीट किया,
तो ट्रीटमेंट नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, सिस्टरली ट्रीटमेंट, सिस्टरली, ब्रदरली, फादरली, मदरली, सब एडजेक्टिव है, सब एडजेक्टिव है. ओके मैं ये सारा ए टू जेड जो मैं ग्रामर पिछले 3-4 महीने से आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सारा को मैं एक जगह कंपाइल कर दूंगी. जैसे मैंने ए टू जेड बैच पूरा ग्रामर का किया है ना, वैसे ए टू जेड सारा एक जगह कंपाइल हो जाएगा ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा. बस मुझे 2-3 टॉपिक और खत्म कर लेना है, उसके बाद पूरा ए टू जेड ग्रामर आपका रेडी है. पासिंग मार्क्स, हाँ, शी इज माई म्यूचुअल फ्रेंड या कॉमन फ्रेंड. फ्रेंड्स कभी भी म्यूचुअल नहीं होते हैं. फेसबुक पे तो आप म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह देख देते हो, बट रॉन्ग है. फ्रेंड्स आर ऑलवेज कॉमन. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है दोनों के बीच में, पारस्परिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पारस्परिक म्यूचुअल आपसी समझ है, बट फ्रेंड्स कभी भी म्यूचुअल नहीं होते, फ्रेंड्स कॉमन होते हैं. और दूसरा, ही गॉट पासिंग मार्क्स बोल देते हैं, बट गलत है, पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं होता. अरे, ही गॉट पासिंग मार्क्स गलत है, पास मार्क्स होगा. अंडरस्टैंडिंग कॉमन होता है, सॉरी, म्यूचुअल होता है, फ्रेंड्स कॉमन होते हैं. ये भी हो गया, अब जल्दी जल्दी इसको खत्म किया जाए. हाँ, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जिसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनता ही नहीं है. वो हमेशा ना, उसको मान के चलो कि वो अपने आप में सुपरलेटिव है, उसका ना मोर लगा के बना सकते हो ना मोस्ट लगा के. जनरली हम कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं, बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सुपरलेटिव है. जिसमें से एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, ऐसा आ जाएगा, मोस्ट यूनिक. यूनिक का मतलब है सबसे अद्भुत, सबसे अलग. आपको लगेगा बहुत सारों में वो सबसे अलग है, उसकी तुलना बहुतों से हो रही है, तो आप मोस्ट लगा दोगे. बट यूनिक इज यूनिक, परफेक्ट इज परफेक्ट. ना मोर यूनिक होता है ना मोस्ट यूनिक होता है, ठीक है. यूनिक अपने आप में यूनिक है, तो उसके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाओगे. उसी तरह परफेक्ट, ना मोर परफेक्ट ना मोस्ट परफेक्ट. मेजर, माइनर, आइडियल, ही इज द मोस्ट आइडियल स्टूडेंट नहीं होगा, इज द आइडियल स्टूडेंट. आइडियल मतलब सबसे अलग, आउटस्टैंडिंग, ये वाला मतलब एग्जाम में यूनिक बहुत आता है. सुप्रीम के साथ भी मोर सुप्रीम, मोस्ट सुप्रीम लगा देंगे. राउंड, स्क्वायर, शेप्स के साथ ट्रिमेंडस. प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ भी मोर लगा देंगे. प्रेफरेबल का मतलब ही होता है दो के बीच में तुलना कर रहे हो, मोर नहीं लगाओगे. तो ये सब में मोर या मोस्ट नहीं लगता है, मोस्ट यूनिक एग्जाम में आ जाता है. लाइव बैच आप बात करिए, अभी अन अकेडमी में ऑफर चल रहा है, ठीक है. आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, वो आपको हेल्प करेंगे. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, अभी नेक्स्ट मंथ में ना सारे प्रैक्टिस बैचेस आ रहे हैं. नेक्स्ट मंथ में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज हैं, जिसका आप स्टूडेंट को काफ़ी दिनों से वेट था. सरप्राइजेज भी है, एक बार चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है ना, फिर मैं आपको सरप्राइज रिवील करती हूँ. आई सी माई, आई एम 31 ईयर्स ओल्ड. ओके, वर्किंग एज AO इन LIC. आई, देर आर मेनी. सो देखो, पेरेंट्स दे टेक सो मच पेन. पेरेंट्स ना कितने अच्छे से अपने से वीडियो देख के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक बार लाइक बनता है हमारे सारे पेरेंट्स के लिए, ठीक है. हाँ, सारे पेरेंट्स के लिए एक लाइक तो बनता है. तो वो क्या करते हैं ना, कभी कभी वीडियोस देख के फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं. सोचो कितना मेहनत करते हैं वो, तो अपने लाइफ में सेटल्ड है, अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं. तो आप स्टूडेंट, तो अभी आपकी शादी नहीं हुई, अभी तो आप फ्री हो, आपके जिम्मे तो सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़ लेना है. तो ये सब के साथ मोर या मोस्ट मत लगाना. दिस इज द मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड. मोस्ट यूनिक नहीं होगा, यूनिक, ना मोर यूनिक ना मोस्ट यूनिक. शी हैज डन द मोस्ट एक्सीलेंट. एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट, ना मोर ना मोस्ट. परफेक्ट इज परफेक्ट, ना मोर या मोस्ट. पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं. हो गया, लिख लिया ये, अब आ जाओ. 2-3 और बच गया है, उसके बाद फटाफट एंड कर लिया जाए. ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर. अब देखो, ये आपको दिमाग में आएगा ना कि मैं टॉलर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. ये आपके एग्जाम्स में हाल फिलहाल में आया भी है कि मैम दैन के साथ तो कंपेरेटिव डिग्री लगा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए ना. यहाँ भी दैन के साथ तो कंपेरेटिव डिग्री लगा है, ये भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है. लेकिन ये दोनों रॉन्ग है. जब भी हम सेंटेंस में कंपैरिजन ट्वाइस लगा के करते हैं, वो दोगुना अपने भाई से टॉल है. जब भी हम थ्राइस लगा के करते हैं, ट्वाइस लगा के करते हैं, ट्वाइस के जगह ना टू टाइम्स भी लगा दिया, ही इज टू टाइम्स या ही इज थ्राइस, ऐसा ऐसा लगा के कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहाँ पे कंपैरिजन हम दैन लगा के नहीं करते, एज लगा के करते हैं. तो ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है. ही इज ट्वाइस, दैन लगा के नहीं होता है, एज लगा के होता है. ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर. ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर.
तो ये कहीं पे आप साइड में लिख लीजिए, ठीक है, कि जब भी कंपैरिजन ट्वाइस लगा के हो, टू टाइम्स लगा के हो, ठीक है, तो वहां पे कंपैरिजन दैन लगा के नहीं करना है, एज एज लगा के करना है. ही इज टू टाइम्स, देखो यहाँ ट्वाइस आया या टू टाइम्स आया, तो दैन मत लगाना, एज एज लगाना, और एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आए, पॉजिटिव पॉजिटिव. समुद्र मंथन का बैच आपका जा रहा है, बीच बीच में टीम आपको डालते जा रही है, आप लोग देखिए उसको. समुद्र मंथन का 3 क्लासेस आपके पास चला गया, बस ध्यान रखना है ना, सिर्फ डिमांड नहीं करना है, हमें ये दे दीजिए मैम, हमें वो करवा दीजिए, जो चीज़ आपके पास जा रहा है ना वो मोर देन सफिशियंट है. 2020 में भी, ठीक है, 2020 में भी इस बच्चों ने यहाँ से भर भर के सिलेक्शन दिया, 2021 में भी सिलेक्शन दिया, 20 में भी सिलेक्शन दिया और 21 में भी सिलेक्शन दिया, जबकि 2020 में मैंने इतना कंटेंट दिया ही नहीं था जितना मैंने 21-22 में आपको कंटेंट दिया है. तो जब कम कंटेंट था तो बच्चों ने उस समय भी सिलेक्शन दिया, 21 में भी सिलेक्शन दिया है, 22 में भी दिया है, 23 में भी देंगे, कम कंटेंट में भी सिलेक्शन. इसका मतलब है ना, जो आपके पास अवेलेबल है अभी तक ना, जो अवेलेबल है 2 साल पहले तक भी था, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो सिर्फ आप लोग उसके पीछे नहीं भागो, ओके. आप लोगों को ना बस वही है कि बस कंटेंट पे कंटेंट चाहिए. 3 साल पहले तो कम कंटेंट था, उसमें भी पढ़ने वाले ने पढ़ के सिलेक्शन दिया है. चलो ये वाला हो गया. अब हाँ ये भी है, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर. अब बताओ कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है, चलो बताओ. हाँ यहाँ पे ना इक्वली और एज दोनों सुपरफ्लूस है, तो यहाँ से इक्वली, यहाँ इक्वली से कंपेरिजन हो ही रहा है, एज इक्वली हटा दो. ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर. ही इज नहीं, स्मार्टर तो नहीं लगाओगे, स्मार्टर नहीं लगाओगे, कंपेरेटिव डिग्री रखोगे. स्मार्टर कहाँ से आ जाएगा, ही इज इक्वली स्मार्टर हिज ब्रदर. अगर आप बोलोगे कि मैम दोनों में से कोई एक हटाना है, तो हम एज लगा हटा देते हैं, क्या एज एज हटाते हो और इक्वली रखते हो. ही इज इक्वली स्मार्ट हिज ब्रदर, क्या ये सेंस बन रहा है. आप बोलोगे कि दोनों सुपरफ्लूस हो गया, दोनों एक साथ नहीं लगेगा, एज ऐसे कंपैरिजन हो ही रहा है और इक्वली कंपैरिजन हो रहा है, तो दोनों एक साथ नहीं लगेगा, एक हटा दो. अगर इक्वली रखते हैं ना तो सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा है, तो सिंपली लगा दो, ये हटा दो. ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, एज हिज ब्रदर. हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू हैव. अब देखो जब भी सेंटेंस में दो अलग अलग नाउन आ गया, तो उसके लिए अलग अलग डिटर्मिनर लगाने की जरूरत है. ये मैनी किसके लिए लगता है, मैनी इज काउंटेबल के लिए, और मच मच इज फॉर अनकाउंटेबल. तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज है ना, एग्स को तो काउंट कर सकते हो, एग्स के लिए तो आपने मैनी लगा दिया, बट मनी इज अनकाउंटेबल ना, मनी का अमाउंट होता है, तो इसके लिए हमें अलग से मच लगाना हो. हाउ मच मनी, मनी. ग्रामर बहुत इजी आ रहा है, अपने स्टूडेंट से मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ग्रामर बहुत इजी आ रहा है, ज़्यादा ग्रामर के समंदर में डूबिए नहीं, पढ़ के बस मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए. कुछ भी क्वेश्चन मत करो मैम, क्या आपने वो क्या पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, उसके बाद आपके पास ना एक क्वेश्चन नहीं होगा पूछने का. प्लेलिस्ट में जाके देखिए अच्छे से क्या क्या पढ़ाया. दीज ऑल मैंगोज आर राइप, तो ये सेंटेंस गलत है, दीज ऑल नहीं होता है, ये दीज डिटर्मिनर है ना, ये नाउन के साथ होगा, ये दीज जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये नाउन के साथ होगा, यहाँ दीज का पोजिशन गलत हो गया, ऑल दीज होगा, ऑल दीज बॉयज, दीज ऑल नहीं होगा, ऑल दीज मैंगोज आर राइप. ठीक है अब बस, हाँ अब लास्ट बच गया है, ठीक है हमारा लास्ट बच गया है. ये देखो एक छोटा सा रूल याद रखना है, कभी कभी ना वाक्य में बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ आ जाते हैं, तो ये वाला याद रखो, ये वाला रूल याद रखना है, मतलब रूल नहीं है शॉर्टकट है, वो सास कॉम. ठीक है ये ओ क्या है, ओ सास, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, ऐसा भी याद कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, ये शॉर्टकट मैंने डाला है. बोलोगे मैम ये सब है क्या, ये ओ है आपका ओपिनियन, ओपिनियन मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हो, आपके क्या ओपिनियन है, क्या है क्वालिटी है. ये एस क्या है, एस इज फॉर साइज, ए इज फॉर एज, एज में यंग है ओल्ड है ये सब एज है. एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी, फिर से बताऊंगी. ये एस है शेप, शार्प है, शेप कैसा है. सी क्या है, कलर के लिए. ओ क्या है, ओरिजिन. और एम क्या है, किस मटेरियल से बना है, वुड से बना है, लेदर से बना है. और पी क्या बता रहा है, पर्पस.
ठीक है, इसको ऐसे मत लिखो, यहाँ पे मैं अलग से ला रही हूँ, ये वाला रूल याद करना है। नहीं, दीज ऑल सुपरफ्लूअस नहीं होगा, ऑल दीज क्लियर है। ये देखो यहाँ पे बता रही, देखो ओसैस कॉम्प मैंने लिखा है ना, ओसैस कॉम्प मतलब वो ओपिनियन है, मतलब ओपिनियन मतलब क्या ओपिनियन है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, साइज के लिए है, ह्यूज टाइनी बिग लिटिल, एज है ओल्ड यंग न्यू, शेप के लिए है राउंड शेप, इसको लिखिए पहले, इसको लिखिए। हाँ हाँ भाई, वो कैप कंप्लीट हो गया, आप देखो तो जाके इस चैनल पे ना, वो कैप पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, इतना ज्यादा वो कैप पूछ देते हो, पहले जाके देखो। चलो लिख लिया है। हाँ, जब बहुत सारे सीक्वेंस आ गया ना, तो ये सारे एडजेक्टिव्स बने, लिख लिया है। यस आशुतोष, आई लुक इन टू इट, ओके, आई हैव सीन योर कॉमेंट, आई टॉक टू यू, ठीक है। तो चलो, कलर, फिर सी से कलर आएगा, ठीक है, फिर ओ से ओरिजिन आएगा, ठीक है, फिर मटेरियल है, क्या चीज से बना हुआ है, वुडन है, सिल्क से है, क्या से चीज से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ, आयरन से बना हुआ, पर्पस मतलब किस उद्देश्य से यूज किया जा रहा है, ड्रेस, एक तो पर्पस, किस पर्पस का ड्रेस है, किस पर्पस के लिए, वेडिंग ड्रेस होता है, स्कूल ड्रेस होता है, बूट्स जो बना होता है किस पर्पस से, राइडिंग के लिए, चलने के लिए, ग्लव्स भी होता है ऑपरेशन के लिए, या कुछ ग्लव्स गार्डनिंग पर्पस से पहना है, पहले वो साइज का कॉम्प लिख लीजिए, हो गया। चलो, अब मैंने लिखा, शी हैज लॉन्ग ब्यूटिफुल ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड का मतलब है गोल्डन कलर है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने ओसैस कॉम, साइड में लिख लिया, ये लॉन्ग क्या बता रहा है, लॉन्ग बता रहा है साइज, लॉन्ग स्मॉल साइज बताता है, ब्यूटीफुल मतलब आपका ओपिनियन क्या है उसके बालों के बारे में, क्वालिटी क्या है ब्यूटीफुल, और ब्लॉन्ड मतलब गोल्डन कलर को बोलते हैं, तो ये कलर है। अब बताओ क्या ये अरेंजमेंट सही है, ठीक है, देख लो ये क्या है, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि सब एक साथ आ जाएगा, आठ नौ एडजेक्टिव एक साथ थोड़ी आ जाएगा, ये वाला साइज है, ठीक है, और ये वाला शेप है, तो पहले साइज पहले, और ये वाला तो ओपिनियन है, तो पहले ओपिनियन आना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, शी हैज ब्यूटिफुल, पहले ब्यूटिफुल है, फिर क्या आएगा, साइज है लॉन्ग, और फिर सी से क्या आएगा, कलर है ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड 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 है, ओके, हाँ, अ लॉन्ग अ वुडेन, ऐसा लिख दिया, अ वुडेन लॉन्ग शार्प नाइफ वॉज लाइंग ऑन द टेबल, चलो बताओ इसका, इसका बताओ, कोई बात नहीं है, रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हो तो आप जब मन है तब ले लो ना, बताओ ये वुडन क्या है, ये शार्प है ना, शार्प का मतलब है तो बहुत धार, जैसे नाइफ का जो शेप है ना बहुत शार्प है, तो ये जो शार्प है ये शेप बता रहा है आपका, शार्प ब्लंट है, शार्प है, शेप बता रहा है, और ये तो साइज बता रहा है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले साइज डालना है ना, लॉन्ग पहले आपको डालना है, लॉन्ग फिर उसका क्या डालना है, शेप डालना है, शेप शेप, और फिर क्या डालना है, फिर मटेरियल डालना है, क्योंकि एम तो लास्ट में आ रहा है, मटेरियल मटेरियल है, लॉन्ग शार्प मटेरियल लिख दिया, वुडन होगा, वुडन वुड से बना है, किस मटेरियल से बना है, वुड्स, लॉन्ग शार्प वुडन नाइफ, बहुत सारे 60 रूल्स में भी आपने कवर किया हुआ है, यहाँ तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, देख लो यहाँ पे, ये तो सही है ना, यहाँ तो मैंने सब सही लिख दिया, द गर्ल हैज लॉन्ग स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर, अब यहाँ पे देखो ये भी सही है, ये देखो ओसैस कॉम करेक्ट करेक्ट वाला सेंटेंस दिया है, ओपिनियन उसके बारे में क्या है, ओपिनियन है कि वो हैंडसम है, फिर क्या है, साइज है, टॉल है, फिर उसका कलर क्या है, कलर डार्क है, किस ओरिजिन का है, उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करता है, ओरिजिन है अफ्रीकन निग्रो, अफ्रीकन अफ्रीकन, ठीक है। तो ये फाइनली, अब बिग उसी तरह, बिग रेड लेदर बैग, लेदर मटेरियल है, ये कलर है, ये साइज है, एंड देन फाइनली दिस इज द एंड ऑफ एडजेक्टिव्स। फाइनली मैंने आज आपको एडजेक्टिव चैप्टर खत्म कर दिया। चलो, अन अकेडमी ने अपना फिर से 30% ऑफर दे दिया है।
एक दिन के लिए ऑफर दिया, अभी अन अकेडमी पे 40% का ऑफर चल रहा था ना, इन्होंने क्या किया, आज के लिए, सिर्फ आज के, आज आज 21 मार्च है, एक दिन का ऑफर दिया है, ठीक है। एक दिन का ऑफर क्या है, वैसे तो अन अकेडमी पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, बट रानी 10 कोड लगाओगे तो आपको कितना परसेंट है, 30% ऑफ। कुछ दिन पहले तक 40 था, अब एक दिन के लिए इन्होंने 30 कर दिया, कल से फिर 10% हो जाएंगे। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मेरे नए नए बैचेस भी, एक तो बैच चल भी रहा है और नए नए बैचेस भी आ रहे हैं। बैचेस में क्या क्या चल रहा है, एक स्पॉटिंग एरर का प्रैक्टिस बैच चल रहा है। देखो आप लोग को क्या करना है, जब आप पढ़ लेते हो ना उसके बाद भी एरर्स नहीं बनते हैं, तो स्पॉटिंग एरर का बैच ज्वाइन कर सकते हो 9:30 बजे सुबह में, और एक समुद्र मंथन का बैच भी चल रहा है वो कैप का, और तीसरा बैच फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है। अभी 12:30 बजे से बैच है, और नया बैच 5 अप्रैल या 3 अप्रैल से एक नया बैच आ रहा है, और वो नया बैच रहेगा क्लोज टेस्ट का, PQRS का और वोकैब का प्रैक्टिस। और इसी बैच में ना कुछ दिनों बाद जब मेरा वोकैब का प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें पैसेज ऐड कर दूंगी, और ये बैच अ मस्ट अटेंड बैच होगा, ठीक है। तो ये सब मैं नहीं रहूँगी उस समय, समुद्र मंथन लगातार जाएगा, ओके। तो ये सारे बैचेज है, और ये सारे बैचेज में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है। देखो ये समुद्र मंथन का बैच है, ये ख़त्म होगा ना इसमें मैं प्रैक्टिस बैच जोड़ दूंगी वोकैब का, क्योंकि जब भी कोई बैच ख़त्म होता है ना तो उसमें एक प्रैक्टिस बैच का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा बेकार है। अगर मैं ग्रामर पढ़ा के प्रैक्टिस बैच उसमें ना जोड़ूँ ना तो यूज़लेस है, वो कैप पढ़ा के प्रैक्टिस बैच ना जुड़े यूज़लेस है। सारे बैचेस में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है, ये कोड डाल देना है Rani10। इससे क्या होगा ना, आज के लिए आपको 10% की जगह 30% डिस्काउंट मिलेगा, बट दिस इज डिस्काउंट इज़ वैलिड ओनली फॉर वन डे, सिर्फ एक दिन के लिए डिस्काउंट है, आज रात 12 बजे तक के लिए, फटाफट ले लीजिए। और इसी फीस में आपको ये कोड लगाना है, इसी फीस में मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश GS सब मिल जाए, ओके। और बाकी इनका क्या है, सिलेक्शन का संकल्प बैच है, जहाँ बच्चे संकल्प लेते हैं, डू और डाई इस बार एग्जाम निकालना है, विजय पथ है, ओके। टीचर पढ़ाते हैं फिर वह विजय के पथ में चलने लगते हैं, स्टोर है इनका, और ये सब आपका बैचेस है इंडिविजुअल, नोट्स फॉर SSC है, ठीक है। तो ये सारा है, ठीक है। अरे yesterday आई कॉल्ड यू, आपको कैसे पता है कि यू कॉल्ड मी? आप टीम को रात में 9 बजे 8 बजे कॉल करिएगा, तो उस समय टीम नहीं उठाता ना, अभी कॉल करो ना वो उठा लेंगे, ऑफिस आवर्स में कॉल करिए, ओके। ऑफिस आवर में कॉल करिए मुंबई अकाउंट्स, ही विल पिक द कॉल। तो हाँ, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे मैं छुट्टी पे हूँ, मंडे से आपकी क्लास रिज्यूम हो जाएगी, एडवर्ब मैं स्टार्ट कर दूंगी, और एडवर्ब और बाकी 2-3 चैप्टर उसको फाइनली ख़त्म कर देने वाली हूँ। और तब तक शांत नहीं बैठोगे, इस YouTube से जितना पढ़ सकते हो पढ़ोगे, स्पॉटिंग वाइज एरर्स है, मतलब जितना भी कंटेंट है ध्यान से देखो, ओके। हाँ सब आएगा। आप सेशंस अच्छे लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस, टू इम्प्रूव योर स्किल्स एंड ऑल। नो एरर है ऋतिक, वो नो एरर है। तो चलो ख़त्म किया जाए, अब हम अगले मंडे को मिलेंगे, बट ये YouTube चैनल ना खाली नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, मैंने बोला है कि जब मैं ना रहूँ ना तो समुद्र मंथन का जो रिकॉर्ड 11 बजे के करीब, बच्चे टाइम वेस्ट ना करें, बच्चे लोनली फील ना करें, बच्चे मुझे मिस ना करें, वैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को मिस करूंगी 11 बजे के करीब, तो उस बीच में समुद्र मंथन का बैच को डाल देना है ताकि वो देखते रहेंगे, ठीक है, ओके। चलो अब एंड किया जाए, आज आपकी क्लास है ना 4 से 5, याद दिला दूं 4 से 5 आपकी फ्री क्लास है अन अकेडमी के इंद्रधनुष चैनल पे। MTS का सीरीज चल रहा है, पहले 25 क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, उसके बाद हम लोग 1 वर्ड कर रहे हैं, 200 idioms कर लिया है, अब हम 1 वर्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन। हाँ आई विल ऑल्सो मिस माई स्टूडेंट्स वेर एवर आई गो ना, तो चाहे वो 11 बजे की टाइमिंग आती है तो मैं थोड़े से अपने रूटीन से हटती हूँ, तो 11 बजने लगता है, मैं कहीं भी रहती हूँ तो लगता है कि अरे अभी तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही होती, 12:30 बजे 9:30 के टाइम में अगर मैं किसी दिन क्लास नहीं ले पाई, वैसे तो मैं बहुत ही कम अपने क्लासेस को कम ही रिशेड्यूल करती हूँ, लेकिन नहीं ले पाई तो कहीं भी रहती हूँ ना, अरे अभी तो मेरा ये बैच चल रहा होता, तो आई विल ऑल्सो मिस माई स्टूडेंट्स, ठीक है, आई विल ऑल्सो मिस माई स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी सारे हमारे, देखो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है
इनफैक्ट ना अन अकेडमी से भी ज़्यादा खुशी हो जाती है मुझे जब मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स मुझे सिलेक्शन देते हैं, ठीक है, हैट्स ऑफ टू देम। इसलिए ना क्योंकि अन अकेडमी पे तो आपको सब चीज़ सजा के मैं दे देती हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना रहता है। लेकिन जो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से पढ़ के एग्ज़ाम निकालना है, उसको मैं हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, क्योंकि YouTube से ना सिंक्रनाइजेशन में आप लोग निकाल के बैच मतलब कंटेंट को और पढ़ते हो और फिर एग्ज़ाम निकालते हो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अन अकेडमी प्लस पे तो मैं एकदम सब चीज़ सजा के आपको दे देती हूँ, बस आपको पढ़ लेना। बट YouTube वाले मेहनत करके नोट्स बनाते हैं। तो अगेन मैं अपने YouTube स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। आपको कुछ भी रिलेटेड है ना, अन अकेडमी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, आप अन अकेडमी पे मैम एडमिशन कैसे लेना है, जैसे आज उनका ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसे 30% ऑफ़र है और ज़्यादा कैसे आप डिस्काउंट ले सकते हो, अगर आप मेरा स्पेशल क्लास देखते हो, कॉइन्स वगैरह आपके पास है तो आप और भी डिस्काउंट ले सकते हो, कैसे क्या करना है ना वो आपको गाइड करेंगे। 9995833 ये सौरभ का नंबर है, ठीक है, 58324 ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, सारा सौरभ का है। एडमिशन लेने से पहले, लेने के बाद भी वो आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं कि देखो मैम ने बताया है ये बैच को पहले देखना है, सारा चीज़ आपको गाइड कर देने वाले हैं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, काइंडली आप अपना फोटो, अपना पिक और अपना रोल नंबर, अपना पोस्ट भेज दीजिए, ठीक है, रोल नंबर, फोटो, पोस्ट इस नंबर पर भेज दीजिएगा ताकि कम्युनिटी पे हम लोग डाल सकें। क्योंकि कल से तो मैं छुट्टी पर जा रही हूँ तो कम्युनिटी पर नहीं डाल पाऊँगी, तो जितना आज तक मैं आ जाए ताकि कम्युनिटी पर डाल पाऊँ और हमारे बाकी के बच्चे ना मोटिवेट हो कि एक दिन हमारा नाम भी इस कम्युनिटी पर रहेगा और मेरे पास डेटा आ जाए ताकि जब मैं मीटअप करूँ ना, वी विल बी हैविंग अ ग्रैंड मीटअप। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोग एक मीटअप करने वाले हैं, सेलिब्रेट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के सक्सेस को, तो डेटा रहेगा तभी तो मैं आपको इनविटेशन भी भेज पाऊँगी ना। तो एक दिन के लिए मैम के लिए टाइम निकाल लेना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा इवेंट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके लिए गिफ्ट्स भी रहेंगे, आपके लिए एंटरटेनमेंट भी रहेगा, आपके लिए लंच वगैरह भी रहेगा जिन बच्चों का हो गया है, ठीक है। इस नंबर पर अपना अपना भेज देना, रोल नंबर ज़रूर भेजना, ठीक है, रोल नंबर ज़रूर भेजना, नहीं तो मुझ पर क्वेश्चन करने लगेंगे मैम कहीं आप झूठा तो नहीं डाल रहे हो। अरे मुझे झूठा ही डालना होता तो मैं 3 दिन से थोड़ी यूट्यूब पर झूठा झूठा डालूंगी कम्युनिटी पर। ये बच्चे मुझे खुद सेंड करते हैं, फिर बाद में ना बोल ये भी बोलते हैं मैम मेरी ये वाली पिक मत डालना, ये वाला डालना, ये अच्छा है। तो शुरू में ही अच्छा वाला पिक भेज दीजिएगा, बार बार मैं पिक चेंज नहीं करूँगी, ओके। शादी गोवा वाला पिक मत भेजिएगा, गोवा के बीच वाला पिक नहीं भेजना है, सिंपल सा एक पिक भेजिएगा, उसी को मैं डाल दूँ, ठीक है। तो और टेलीग्राम से जुड़ जाना, जैसे आज जो 4 बजे से क्लास है उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, तो वहाँ पर मिलते हैं, ओके। और जो बच्चे, जिन बच्चों का नहीं हुआ ना, दुखी नहीं होना है। ये बच्चे ना पिछले साल, जिनका इस साल हुआ है ना, वो पिछले साल बहुत दुखी थे, लेकिन मेरे को पता है कि अभी थोड़ा सा इनका रोना धोना, दुखी होंगे, नेक्स्ट ईयर इनका निकल जाएगा। तो जिन बच्चों का इस साल नहीं हुआ है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपका नेक्स्ट ईयर बिल्कुल निकलेगा। मेरा कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी आपके फ़ोटो का वेट करेगा। ये कहना मुश्किल, ये कहना बहुत इजी होता है ना, अरे कोई बात नहीं है इस साल नहीं हुआ है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो और आपको लगा था ना कि इस बार हो जाएगा, एकदम आपको अंदर से कॉन्फिडेंस था और नहीं हुआ, तो ये बोलना बहुत इजी होता है ना किसी के लिए भी, अरे कोई बात नहीं अगले बार हो जाएगा ये वो। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि उस बच्चे को बहुत बुरा लग रहा होगा, ठीक है, और लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी ना तो आपको गुस्सा आएगा, आप बोलोगे कि मैम ये बोलना तो बहुत आसान है भाई, अगले बार हो जाएगा, दुखी मत हो, फिर से करो मैम, 2 साल तो किया ही था, 2 साल से तो मेहनत किया था, इस बार सोचा था हो जाएगा, बट फिर भी क्या करोगे, अब नहीं हुआ तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा एक दो उस समय कोई आपको मोटिवेशन देता है ना तो आपको बहुत गुस्सा आता है, तो उस समय में स्टूडेंट्स को छोड़ देना है, ठीक है, उस पर्सन को छोड़ देना, वो 1 मंथ बाद खुद उस चीज़ से बाहर निकल के फिर से तैयारी वो शुरू कर देगा। तो आपका मोटिवेशन, आपका एनकरेजमेंट, दुखी होना, खुशी होना, सब आपके हाथ में है, ठीक है। इसलिए मैं अभी कोई कुछ नहीं बोलूँगी, भाई दुखी मत हो, अगले साल हो जाएगा, बस अब लगे रहिए। हिंदू पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स पैसेज पढ़ने के लिए ना, जिसने फुल स्कोर किया है वो सब हिंदू नहीं पढ़े थे,
दुखी नहीं होना है, अगले साल कम्युनिटी पे आपका रहेगा पोस्ट, ओके?